वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच, एलएसजी वर्सेस डीसी के बीच खेला जा रहा है आईपीएल 2024 मैच नंबर 26। लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकन्ना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है यह मुकाबला एलएसजी वर्सेस डीसी के बीच में। अंतिम के दो ओवर के लिए मुकेश कुमार पारी का 19वां ओवर डालने आ रहे हैं। एक विकेट आपको तीन ओवर में 28 रन देके मुकेश कुमार ने निकाला है। पूरी तरीके से दिल्ली ने शुरुआत के 15 ओवरों में डोमिनेट किया, लेकिन जब से ये दोनों खेलने उतरे हैं तब से मैं देख पा रहा हूं कि बड़ी परिस्थितियां जो है वो खराब हो गई हैं दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली 143 रन खा चुका है ऑलरेडी 7 विकेटों के नुकसान पर, और ये रन चेज करने पड़ेंगे जो कि आसान नहीं होगा इस विकेट के ऊपर। चलिए, तो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में बाहर कर दिया गया है खलील अहमद को, और खलील अहमद की जगह मैं आपको बताने चलूं कि दूसरी टीम ने क्या अभिषेक पोरेल को शामिल किया है, इंतजार किया जा रहा है कि कौन से खिलाड़ी को जो है फिलहाल शामिल किया जा रहा है। लेकिन मुकेश कुमार अपना अगला ओवर डालने के लिए चौथा और अंतिम ओवर डाल रहे हैं। तो इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपना इस्तेमाल कर लिया है। खलील अहमद मैदान के बाहर जा चुके हैं, और खलील अहमद मैदान के बाहर जाने के साथ इस ओवर की अगली गेंद को लेकर तैयार नजर आ रहे हैं इस समय मुकेश कुमार। सामने आपको आयुष बदोनी जो है वो मौजूद हैं, 37 रन बना के इस मुकाबले के अंदर, जिन्होंने 25 गेंदों का सामना किया है। अगली गेंद मुकेश कुमार के नए ओवर की शुरुआत की, पहली गेंद को हवा में ऊंचा मार दिया और आयुष बदोनी के बल्ले से यह पहला तीसरा चौका। लेग स्टंप की लाइन पर ये खड़े थे, लेकिन हल्का सा ऑफ स्टंप पर शफल करके मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को हवा में खड़ा कर दिया, और गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराने के बाद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। .147 18 ओवर्स और एक गेंद के बाद मुकेश कुमार 3 ओवर 1 गेंद 32 रन और एक सफलता। मुकेश कुमार ने अब तक 3 ओवर 1 गेंद फेंककर 32 रन दिए हैं, और 32 रन देके केवल एक सफलता जो है वो मुकेश कुमार को इस मैच में मिली है। मुकेश कुमार अपने चौथे ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए आ रहे हैं। एक और चौका आयुष बदोनी के नाम। ये गेंद 143 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से मुकेश कुमार की तरफ से डाली हुई थी। सामने आयुष बदोनी इंतजार कर रहे थे, ऑफ स्टंप पर आ गए और ये यॉर्कर को स्वीप मार के डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। ये यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी थी मुकेश कुमार की, हल्का सा ऑफ स्टंप शफल कर आ गए और नीचे की तरफ बैठकर इस गेंद को बहुत ही शानदार अंदाज से स्वीप कर दिया, और गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराने के बाद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 4 रन। आयुष बदोनी के सुंदर से चौके के साथ ही लखनऊ 150 का आंकड़ा पार कर चुकी है, और लखनऊ 151/7 18 ओवर और 2 गेंदों की समाप्ति के बाद। अगली गेंद मुकेश कुमार की, सामने आपको बदोनी मौजूद अपने अर्धशतक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगली गेंद को गैप में खेला है शॉट को, एक रन पूरा करेंगे, सारे फील्डर बाउंड्री पे मौजूद, बाउंड्री भी बड़ी है। राउंड द विकेट से यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी को लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ खेला, पहला रन पूरा करने के बाद जब तक लॉन्ग ऑन का फील्डर मिड ऑन पे आता तब तक बदोनी ने भाग कर ये दूसरा रन भी पूरा करके लखनऊ को 153 पे पहुंचा दिया 7 विकेटों के नुकसान पर। 3 गेंदे और रह गई हैं बाकी मुकेश कुमार के इस ओवर में। मुकेश कुमार 3 ओवर 3 गेंदे फेंक कर अब तक 38 रन देके एक सफलता मुकेश कुमार के नाम। आपको बताते चलें कि 153 रन बने हैं 7 विकेटों के नुकसान पे लखनऊ सुपर जायंट्स, और आखिरी की 2 गेंदे और रह गई हैं बाकी। राउंड द विकेट से अगली गेंद, ये रू स्कूप मारने की कोशिश कर रहे थे इस गेंद पर, लेकिन बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से पे लगने के बाद वापस गेंदबाज की तरफ ये गेंद लौट गई है। रन लेने का कोई मौका इस गेंद पर नहीं मिलने वाला है बल्लेबाज आयुष बदोनी को। डॉट डिलीवरी 153/7 है 18 ओवर और 4 गेंदों की समाप्ति पर लखनऊ सुपर जायंट्स। आखिरी की 2 गेंदें और रह गई हैं बाकी मुकेश कुमार के इस ओवर में। फिलहाल आयुष बदोनी देखते ही देखते 48 रनों के पर पहुंच चुके हैं इस मुकाबले में। कमाल की बल्लेबाजी, अपने अर्धशतक से केवल और केवल 1 रन दूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगली गेंद मुकेश कुमार की राउंड द विकेट से यॉर्कर डालने की कोशिश थी,
लेकिन बल्लेबाज ने पहले ही भांप लिया था इस गेंद को, गेंदबाज ने इस गेंद को स्कूप करने की कोशिश कर रहे थे, बल्ले पे गेंद टकराई, विकेट कीपर के पास पहुंची, विकेट कीपर बाई तरफ जाके गेंद को फील किया, और जब तक इस गेंद को फील करते थ्रो करते हैं, दोनों बल्लेबाजों ने एक रन और एक्स्ट्रा के रूप में भागकर पूरा कर लिया है। तो जहां पर केवल एक रन मिलना चाहिए था वहां पर आयुष बदोनी ने भागकर ये दो रन पूरे कर लिए, क्योंकि बहुत ही खराब थ्रो यहां पर ऋषभ पंत की तरह से, और ऋषभ पंत के इस खराब थ्रो से दोनों बल्लेबाजों ने भागकर ये दो रन पूरे करके लखनऊ को 155 पे पहुंचा दिया है। इन दो रनों के साथ लखनऊ 155 पर साथ है फिलहाल, लेकिन जरा ठहर जाइए क्योंकि उनकी उंगलियों पर जो है ये वो चोट लगी है, क्योंकि जब स्कूप करने गए थे तो गेंद जाके सीधे इनके उंगलियों पर लगी थी, और फिलहाल आपको ग्राउंड के ऊपर जो है फिजियो जो है वो आए हुए हैं केवल ये चेक करने के लिए। उनके हाथों के ऊपर जो है वो जो मैजिक स्प्रे होता है वो लगाया जा रहा है, दर्द जो कि दो मिनट के अंदर गायब हो जाता है, बाद में जरूर और दर्द करेगा, लेकिन फिलहाल आपको थोड़ी देर के लिए आराम दे देगा ताकि आयुष बदोनी अगली 7 गेंदों का सामना कर लें अपनी टीम के लिए। लखनऊ सुपर जायंट्स 155 पे 7 है। मुकेश कुमार 3 ओवर 5 गेंदों में 40 रन, और 40 रन देखिए अब तक एक सफलता आपको मुकेश कुमार के नाम। अंतिम गेंद मुकेश कुमार आ रहे हैं लेकर अपने 4th ओवर की पारी का, ये 19वां ओवर चल रहा है। आयुष बदोनी अपने शतक से, अर्ध शतक से केवल और केवल एक रन दूर नजर आ रहे हैं। इस रविवार को एक बहुत ही कांटे का मुकाबला मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल का एल क्लासिको खेला जाएगा, और इस सीजन में मुंबई के वानखेड़े में चेन्नई और मुंबई का मुकाबला होने वाला है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, एल क्लासिको रविवार को खेला जाएगा। अंतिम गेंद मुकेश कुमार के ओवर की, सामने आपको बैटिंग पे आयुष बदोनी तैयार, एरो पर आती हुई गेंद ऑन साइड मोड़ दिया, लीजिए पहला रन पूरा कर लेंगे, और इसी के साथ एक रन के साथ अर्धशतक पूरा हो चुका है आयुष बदोनी का। आखिरी गेंद थी मुकेश कुमार की, लो फुल टॉस, सामने की तरफ गेंद को लॉफ्ट करने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले पर टकराई, लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ गई, और जब तक इस गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री का फील्डर फील्ड करता थ्रो करता भागकर एक रन पूरा करके लखनऊ 156 पे पहुंचा 7 विकेटों के नुकसान पर, और मुकेश कुमार अपना ओवर जो है, अपना स्पेल जो है वो समाप्त कर चुके हैं। यानी कि अब गेंदबाजी में आपको बताते चले, ईशांत शर्मा का एक ओवर केवल रह गया है बाकी, तो कप्तान ने ईशांत शर्मा को उनके अंतिम ओवर के लिए बुला लिया है। बदोनी 50 रनों के ऊपर मौजूद हैं 31 गेंदों का सामना करने के बाद, हमेशा अक्सर ऐसी ही परिस्थितियों में ये रन्स बनाते हैं। आज एक बार फिर दोस्तों आयुष बदोनी ने साबित कर दिया कि इस टीम के सबसे बढ़िया खिलाड़ियों में से जो युवा खिलाड़ी है उनमें से सबसे बढ़िया खिलाड़ी अगर कोई है तो वो यही है। ईशांत शर्मा नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद हवा में ऊंचा मारा गया शॉट, और गेंद बाउंड्री रोप्स की तरफ एक टप्पा 4 रन। बदोनी पहुंचे 54 पर ईशांत शर्मा के अंतिम ओवर की शुरुआत की पहली गेंद के ऊपर, ऑफ स्टंप के बाहर सफल करके आ गए, गेंद को बहुत बाहर डाली थी ईशांत शर्मा ने, लेकिन आयुष बदोनी ने भी इस गेंद को इनसाइड आउट शॉर्ट कवर के ऊपर से मारा, गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराई, और बीचों बीच गेंद टकराने के बाद डीप कवर बाउंड्री की तरफ निकल गई है। ये पूरे 4 रन मिल गए हैं बल्लेबाज यहाँ पर आयुष बदोनी को। बदोनी के इस चौके के साथ ही लखनऊ 160 पर पहुंचा 7 विकेटों के नुकसान पर। ईशांत शर्मा की दूसरी गेंद, आयुष बदोनी 54 रनों के ऊपर फिलहाल मौजूद नजर आ रहे हैं। ईशांत शर्मा इस साल एक बहुत ही अच्छी यॉर्कर डालने में कामयाब हुए थे अगर आपको याद होगा तो, अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर सामने की तरफ मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से पर टकराने के बाद वापस गेंदबाज की तरफ लौट गई। बाकी का कार्य गेंदबाज ने अपनी बाई तरफ जाके इस गेंद को फील्ड किया, रन लेने का कोई मौका नहीं। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर डॉट बॉल। वीडियो दोस्तों फटाफट लाइक कर दीजिएगा, यहाँ पर लाइक करने वाले दोस्तों में टेक्नो भाई हैं, लाइक कर दीजिए फटाफट अगर आपने लाइक नहीं किया तो। प्रिया यादव जी ने लाइक कर दिया, बहुत शुक्रिया। रोहित शर्मा जी ने लाइक कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच ये अगली गेंद के लिए दोबारा से तैयार नजर आ रहे हैं गेंदबाज, और ये इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर डाली हुई थी, इतनी ज्यादा बाहर कि अंपायर ने एक और वाइड गेंद का इशारा जो है वो करार दिया है। ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद थी, टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ जा रही थी,
और बाहर जाती हुई गेंद के ऊपर, इतनी ज्यादा बाहर कि अंपायर ने यह वाइट बॉल का इशारा जो है वह करार दिया है। तो वाइट बॉल के इशारे के साथ 161 रनों के ऊपर पहुंची लखनऊ सुपर जायंट्स 19 ओवर और 2 गेंदों की समाप्ति पर। अगली गेंद ईशांत शर्मा की, आखिरी की 4 और गेंदें मौजूद हैं, बैटिंग पे मौजूद हैं, बल्लेबाजी में आपको आयुष बदोनी फिलहाल 55 रनों के ऊपर पहुंचे, देखते ही देखते दौड़ना शुरू कर रहे हैं। शॉर्ट पिच डिलीवरी, गेंद को पुल कर दिया, गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, पहला रन पूरा करेंगे, दूसरे का कॉल किया है, लेकिन जब तक इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री का फील्डर फील करता, थ्रो करता, एक और रन पूरा कर लेंगे। दोस्तों आप लोग भी वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए अगर आपने लाइक नहीं किया है तो, और चैनल को जल्दी जल्दी कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आखिरी की 3 और गेंदें जो है वह इस ओवर के अंदर रह गई हैं बाकी। सामना करने के लिए अरशद खान, बहुत देर के बाद इनके पास जो है वो स्ट्राइक फिलहाल आई हुई है, और अरशद खान ने 15 रन 14 गेंदों का सामना कर लिया है आपको इस मुकाबले में ऑलरेडी, और ये अगली गेंद के ऊपर बल्लेबाज जो है वो तैयार नजर आ रहे हैं। अरशद खान ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई है इस मैच में। अरशद खान की बल्लेबाजी की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने खेला है, जिस तरीके से साथ दिया है, जितनी आप तारीफ करेंगे उतनी कम है। लीजिए एक और चौका, इनके नाम लिख लीजिए, ओवर द विकेट से वाइड यॉर्कर, पॉइंट बाउंड्री के ऊपर उठा कर मार दिया बल्लेबाज ने, गेंद जाती हुई डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ, 4 रन, वाइड यॉर्कर थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बल्लेबाज ने इस गेंद के ऊपर पॉइंट के ऊपर से उठा कर मार दिया, और गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराने के बाद सीधा निकल गई है डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ, बहुत ही कमाल का ये शॉट, और गेंद सीमा रेखा की तरफ, 4 रनों के लिए। आखिरी की 2 और गेंदें मौजूद हैं, अरशद खान जो कि बल्लेबाजी में 19 रन बना के 15 गेंदों का सामना करने के बाद खेल रहे हैं। अगली गेंद को हवा में फिर से ऊंचा खड़ा कर दिया अरशद खान ने, फील्डर नीचे आते हुए क्या कैच पकड़ पाएंगे, जी नहीं, ये दोनों बल्लेबाजों ने भागकर दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया है। तो सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री का जो फील्डर मौजूद था उन्होंने कोई गलती नहीं, डेविड वार्नर ने एक बहुत ही आसान सा कैच जो है वो ड्रॉप कर दिया, और 167 पे 7 विकेट लखनऊ सुपर जायंट्स, 170 का आंकड़ा जो है वो हम देखेंगे तो आपको पहुंच सकती है ये टीम जहां पर 167 रनों के ऊपर इस मुकाबले के अंदर, बताते चलें यहां पर 7 विकेट जो वो ऑलरेडी हो गई हैं। अगली गेंद के लिए तैयार ईशांत शर्मा, दाएं हाथ से दौड़ने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं आयुष बदोनी, पारी की अंतिम गेंद डालने के लिए, और इस अंतिम गेंद के ऊपर ईशांत शर्मा ने कोई रन नहीं दिया है, आयुष बदोनी को डाली हुई गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, आखिरी समय के ऊपर हल्का सा ऑफ स्टंप पर आके बल्लेबाज ने सामने की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर टकरा के मिड ऑफ के पास पहुंची। 20 के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स 167 रन 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर की समाप्ति पर ईशांत शर्मा ने 4 ओवरों के अंदर 36 रन देके 1 विकेट निकाला, और लखनऊ सुपर जायंट्स 167 पे 7 20 ओवर के बाद। दोस्तों अगर आपने हमें अभी ज्वाइन किया है तो आप लोगों को बताते चलें कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम को इस मुकाबले में जीतने के लिए 168 रनों का लक्ष्य लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से, आयुष बदोनी के नाबाद 35 गेंदों में 55 और अरशद खान के नाबाद 16 गेंदों में 20 रनों की बदौलत लखनऊ 167 पर पहुंच चुका है। इस मैच में क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल ने बल्लेबाजी की शुरुआत की थी, जहां लखनऊ के कप्तान ने पहले टॉस को जीत के बैटिंग करने का फैसला चुना था। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों ओपनिंग करने उतरे क्विंटन डिकॉक ने 19 बनाए 13 गेंदों पे, केएल राहुल ने 39 बनाए 22 गेंदों पे, 4-5 चौका और 1 छक्का मारा। फिर आपको इस मुकाबले में बल्लेबाजी करने के लिए आया आपको नंबर 3 की पोजीशन पे देवदत्त पडिक्कल, देवदत्त पडिक्कल ने आपको इस मैच के अंदर 3 रन बनाए, राहुल ने 22 गेंदों में 39 रनों की पारी, 5 चौका और 1 छक्का मारा। स्टोइनस ने 8 रनों की पारी 10 गेंदों के ऊपर खेली, निकोलस पूरन ने 1 गेंद पे खाता नहीं खोला। निकोलस पूरन के बाद बल्लेबाजी में दीपक हुडा आए, 13 गेंदों के ऊपर 10 रन बनाए इस मैच में दीपक हुडा ने। दीपक हुडा के बाद आयुष बदोनी 55 रनों की पारी, महज आपको 35 गेंदों में 5 चौका और 1 छक्का मार के खेला। आयुष बदोनी के बाद बल्लेबाजी करने उतरे आपको कुरनाल पांड्या ने 3 रन बनाए 4 गेंदों पे,
अरशद खान ने 16 गेंदों के ऊपर 20 रन बनाए, 10 रन मुफ्त में मिले, 7 वाइड 3 लेग बाई के रूप में। फॉल ऑफ विकेट्स की बात कर लेते हैं तो आज लखनऊ की टीम की पहली विकेट 28 पे, दूसरी 41 पे, तीसरी 66 पे, चौथी भी 66 पे, पांचवी 77 रनों के ऊपर, छठी 89 पर और सातवीं 94 रनों के ऊपर। गेंदबाजी में 5 गेंदबाजों का आज दिल्ली ने केवल इस्तेमाल किया। खलील ने 4 में 41 रन देके 2 विकेट्स निकाले, ईशांत ने 4 में 36 देके 1 विकेट निकाला, मुकेश ने 4 में 41 देके 1 विकेट निकाला, अक्षर पटेल ने 4 में 26 देके 1 विकेट निकाला। और फिर आप देखेंगे तो इस मैच के अंदर पावर प्ले में 57 रन बने और कुलदीप यादव ने अपने 4 में 20 रन देके 3 विकेट्स निकाले। तो दोस्तों अब जो दूसरी पारी है वो शुरू होने जा रही है और दूसरी पारी में जो दोनों सलामी बल्लेबाज हैं वो आपको इस मुकाबले के अंदर खेलने के लिए उतर रहे हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से आपको इस मैच में सलामी बल्लेबाजी करने के लिए उतर रहे हैं आपको इस मैच के अंदर डेविड वार्नर के साथ आपको इस मैच में सलामी बल्लेबाजी के अंदर जो नजर आएंगे खेलते हुए वो है आपको पृथ्वी शॉ। नंबर 3 की पोजीशन के ऊपर नजर आएंगे दाएं हाथ के शेई होप, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं शेई होप। के बाद नंबर 4 की पोजीशन के ऊपर नजर आएंगे खेलते हुए ऋषभ पंत, बाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। के बाद नंबर 6 की पोजीशन, 5 की पोजीशन के ऊपर ट्रिस्टन स्टब्स को मौका दिया जाएगा। स्टब्स के बाद नंबर 6 की पोजीशन के ऊपर जेक फ्रेजर मैकगर्क नजर आएंगे खेलते हुए, जेक फ्रेजर मैकगर्क। के बाद इस मुकाबले में बल्लेबाजी में नंबर 7 पे अक्षर पटेल आएंगे, नंबर 8 के ऊपर कुलदीप यादव आएंगे बल्लेबाजी में, नंबर 9 की पोजीशन के ऊपर ईशांत शर्मा आएंगे बल्लेबाजी में, नंबर 10 की पोजीशन के ऊपर आपको बताते चलें इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट अभिषेक पोरेल को शामिल किया गया है, तो अभिषेक पोरेल कहीं टॉप ऑर्डर में खेलेंगे। और फिर निचले क्रम में दोस्तों यहां पर खलील अहमद का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नंबर 11 की पोजीशन की बात करते हैं तो 11 की पोजीशन के ऊपर मुकेश कुमार बल्लेबाजी करेंगे आज दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। तो दिल्ली ने अच्छी गेंदबाजी करने के बावजूद 167 कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर टकरा के मिड ऑफ के पास पहुंची। 20 के बाद लखनऊ स्तूपा जायंट्स 167 रन 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर की समाप्ति पर ईशांत शर्मा ने 4 ओवरों के अंदर 36 रन देके 1 विकेट निकाला और लखनऊ स्तूपा जायंट्स 167 पे 7 20 ओवर के बाद। दोस्तों अगर आपने हमें अभी ज्वाइन किया है तो आप लोगों को बताते चलें कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम को इस मुकाबले में जीतने के लिए 168 रनों का लक्ष्य लखनऊ स्तूपा जायंट्स की तरफ से। आयुष बदोनी के नाबाद 35 गेंदों में 55 और अरशद खान के नाबाद 16 गेंदों में 20 रनों की बदौलत लखनऊ 167 पे पहुंच चुका है। इस मैच में क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल ने बल्लेबाजी की शुरुआत की थी, जहां लखनऊ के कप्तान ने पहले टॉस को जीत के बैटिंग करने का फैसला चुना था। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों ओपनिंग करने उतरे क्विंटन डिकॉक ने 19 बनाए 13 गेंदों पे, केएल राहुल ने 39 बनाए 22 गेंदों पे, 4 5 चौका और 1 छक्का मारा। फिर आपको इस मुकाबले में बल्लेबाजी करने के लिए आया आपको नंबर 3 की पोजीशन पे देवदत्त पडिकल। देवदत्त पडिकल ने आपको इस मैच के अंदर 3 रन बनाए, राहुल ने 22 गेंदों में 39 रनों की पारी 5 चौका और 1 छक्का मारा, स्टोइनस ने 8 रनों की पारी 10 गेंदों के ऊपर खेली, निकोलस पूरन ने 1 गेंद पे खाता नहीं खोला। निकोलस पूरन के बाद बल्लेबाजी में दीपक हुडा आए, 13 गेंदों के ऊपर 10 रन बनाए इस मैच में दीपक हुडा ने। दीपक हुडा के बाद आयुष बदोनी 55 रनों की पारी, महज आपको 35 गेंदों में 5 चौका और 1 छक्का मार के खेला। आयुष बदोनी के बाद बल्लेबाजी करने उतरे आपको कुरनाल पांड्या ने 3 रन बनाए 4 गेंदों पे, अरशद खान ने 16 गेंदों के ऊपर 20 रन बनाए, 10 रन मुफ्त में मिले, 7 वाइड 3 लेग बाई के रूप में। फॉल ऑफ विकेट्स की बात कर लेते हैं तो आज लखनऊ की टीम की पहली विकेट 28 पे, दूसरी 41 पे, तीसरी 66 पे, चौथी भी 66 पे, पांचवी 77 रनों के ऊपर, छठी 89 पर और सातवीं 94 रनों के ऊपर। गेंदबाजी में 5 गेंदबाजों का आज दिल्ली ने केवल इस्तेमाल किया। खलील ने 4 में 41 रन देके 2 विकेट्स निकाले, ईशांत ने 4 में 36 देके 1 विकेट निकाला, मुकेश ने 4 में 41 देके 1 विकेट निकाला, अक्षर पटेल ने 4 में 26 देके 1 विकेट निकाला। और फिर आप देखेंगे तो इस मैच के अंदर पावर प्ले में 57 रन बने
और कुलदीप यादव ने अपने 4 में 20 रन देके 3 विकेट निकाले। तो दोस्तों अब जो दूसरी पारी है वह शुरू होने जा रही है और दूसरी पारी में जो दोनों सलामी बल्लेबाज हैं वो आपको इस मुकाबले के अंदर खेलने के लिए उतर रहे हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से आपको इस मैच में सलामी बल्लेबाजी करने के लिए उतर रहे हैं आपको इस मैच के अंदर डेविड वार्नर के साथ आपको इस मैच में सलामी बल्लेबाजी के अंदर जो नजर आएंगे खेलते हुए वो है आपको पृथ्वी शॉ। नंबर 3 की पोजीशन के ऊपर नजर आएंगे दाएं हाथ के शेई होप, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं शेई होप। के बाद नंबर 4 की पोजीशन के ऊपर नजर आएंगे खेलते हुए ऋषभ पंत, बाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। के बाद नंबर 6 की पोजीशन, 5 की पोजीशन के ऊपर ट्रिस्टन स्टब्स को मौका दिया जाएगा। स्टब्स के बाद नंबर 6 की पोजीशन के ऊपर जेक फ्रेजर मैकगर्क नजर आएंगे खेलते हुए, जेक फ्रेजर मैकगर्क। के बाद इस मुकाबले में बल्लेबाजी में नंबर 7 पे अक्षर पटेल आएंगे। नंबर 8 के ऊपर कुलदीप यादव आएंगे बल्लेबाजी में। नंबर 9 की पोजीशन के ऊपर ईशान शर्मा आएंगे बल्लेबाजी में। नंबर 10 की पोजीशन के ऊपर आपको बताते चलें इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट अभिषेक पोरेल को शामिल किया गया है, तो अभिषेक पोरेल कहीं टॉप ऑर्डर में खेलेंगे और फिर निचले क्रम में दोस्तों यहां पर खलील अहमद का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नंबर 11 की पोजीशन की बात करते हैं के ऊपर हल्का सा ऑफ स्टंप पर आके बल्लेबाज ने सामने की तरफ खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले पर टकरा के मिड ऑफ के पास पहुंची। 20 के बाद लखनऊ स्तूपा जायंट्स 167 रन 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर की समाप्ति पर ईशान शर्मा ने 4 ओवरों के अंदर 36 रन देके 1 विकेट निकाला और लखनऊ स्तूपा जायंट्स 167 पे 7 20 ओवर के बाद। दोस्तों अगर आपने हमें अभी ज्वाइन किया है तो आप लोगों को बताते चलें कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम को इस मुकाबले में जीतने के लिए 168 रनों का लक्ष्य लखनऊ स्तूपा जायंट्स की तरफ से। आयुष बदोनी के नाबाद 35 गेंदों में 55 और अरशद खान के नाबाद 16 गेंदों में 20 रनों की बदौलत लखनऊ 167 पे पहुंच चुका है। इस मैच में क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल ने बल्लेबाजी की शुरुआत की थी जहां लखनऊ के कप्तान ने पहले टॉस को जीत के बैटिंग करने का फैसला चुना था। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों ओपनिंग करने उतरे क्विंटन डिकॉक ने 19 बनाए 13 गेंदों पे, केएल राहुल ने 39 बनाए 22 गेंदों पे 4-5 चौका और 1 छक्का मारा। फिर आपको इस मुकाबले में बल्लेबाजी करने के लिए आया आपको नंबर 3 की पोजीशन पे देवदत्त पडिक्कल। देवदत्त पडिक्कल ने आपको इस मैच के अंदर 3 रन्स बनाए, राहुल ने 22 गेंदों में 39 रनों की पारी 5 चौका और 1 छक्का मारा। स्टोइनस ने 8 रनों की पारी 10 गेंदों के ऊपर खेली, निकोलस पूरन ने 1 गेंद पे खाता नहीं खोला। निकोलस पूरन के बाद बल्लेबाजी में दीपक हुडा आए, 13 गेंदों के ऊपर 10 रन्स बनाए इस मैच में दीपक हुडा ने। दीपक हुडा के बाद आयुष बदोनी 55 रनों की पारी, महज आपको 35 गेंदों में 5 चौका और 1 छक्का मार के खेला। आयुष बदोनी के बाद बल्लेबाजी करने उतरे आपको करुणाल पांडे ने 3 रन्स बनाए 4 गेंदों पे, अरशद खान ने 16 गेंदों के ऊपर 20 रन्स बनाए, 10 रन मुफ्त में मिले 7 वाइड 3 लेग बाई के रूप में। फॉल ऑफ विकेट्स की बात कर लेते हैं तो आज लखनऊ की टीम की पहली विकेट 28 पे, दूसरी 41 पे, तीसरी 66 पे, चौथी भी 66 पे, पांचवी 77 रनों के ऊपर, छठी 89 पर और सातवीं 94 रनों के ऊपर। गेंदबाजी में 5 गेंदबाजों का आज दिल्ली ने केवल इस्तेमाल किया। खलील ने 4 में 41 रन देके 2 विकेट्स निकाले, ईशांत ने 4 में 36 देके 1 विकेट निकाला, मुकेश ने 4 में 41 देके 1 विकेट निकाला, अक्षर पटेल ने 4 में 26 देके 1 विकेट निकाला। और फिर आप देखेंगे तो इस मैच के अंदर पावर प्ले में 57 रन बने और कुलदीप यादव ने अपने 4 में 20 रन देके 3 विकेट निकाले। तो दोस्तों अब जो दूसरी पारी है वह शुरू होने जा रही है और दूसरी पारी में जो दोनों सलामी बल्लेबाज हैं वो आपको इस मुकाबले के अंदर खेलने के लिए उतर रहे हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से आपको इस मैच में सलामी बल्लेबाजी करने के लिए उतर रहे हैं आपको इस मैच के अंदर डेविड वार्नर के साथ आपको इस मैच में सलामी बल्लेबाजी के अंदर जो नजर आएंगे खेलते हुए वो है आपको पृथ्वी शॉ। नंबर 3 की पोजीशन के ऊपर नजर आएंगे दाएं हाथ के शेई होप, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं शेई होप। के बाद नंबर 4 की पोजीशन के ऊपर नजर आएंगे खेलते हुए ऋषभ पंत, बाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। के बाद नंबर 6 की पोजीशन, 5 की पोजीशन के ऊपर ट्रिस्टन स्टब्स को मौका दिया जाएगा। स्टब्स के बाद नंबर 6 की पोजीशन के ऊपर जेक
फ्रेजर मैकगर्क नजर आएंगे खेलते हुए। जेक फ्रेजर मैकगर्क के बाद इस मुकाबले में बल्लेबाजी में नंबर 7 पे अक्षर पटेल आएंगे। नंबर 8 के ऊपर कुलदीप यादव आएंगे बल्लेबाजी में। नंबर 9 की पोजीशन के ऊपर ईशान शर्मा आएंगे बल्लेबाजी में। नंबर 10 की पोजीशन के ऊपर आपको बताते चलें, इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट अभिषेक पोरेल को शामिल किया गया है, तो अभिषेक पोरेल कहीं टॉप ऑर्डर में खेलेंगे। और फिर निचले क्रम में दोस्तों यहां पर खलील अहमद का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नंबर 11 की पोजीशन की बात करते हैं, ऊपर हल्का सा ऑफ स्टंप पर आके बल्लेबाज ने सामने की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर टकरा के मिड ऑफ के पास पहुंची। 20 के बाद लखनऊ स्तूपा जायंट्स 167 रन 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर की समाप्ति पर ईशान शर्मा ने 4 ओवरों के अंदर 36 रन देके 1 विकेट निकाला और लखनऊ स्तूपा जायंट्स 167 पे 7 20 ओवर के बाद। दोस्तों अगर आपने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है तो आप लोगों को बताते चलें कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम को इस मुकाबले में जीतने के लिए 168 रनों का लक्ष्य लखनऊ स्तूपा जायंट्स की तरफ से। आयुष बदोनी के नाबाद और सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और उनके साथ डेविड वार्नर को देखा जा सकता है कि ये जो दोनों ही सलामी बल्लेबाज हैं वो इस समय खेलने के लिए उतर रहे हैं। तो वेलकम बैक आप सभी का इस दूसरी पारी में, और इस दूसरी पारी के अंदर के एल राहुल अपनी टीम को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। और सलामी बल्लेबाजी के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिलहाल पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर को देखा जा रहा है, ये दोनों आपको इस मैच में एज अ ओपनर के रूप में जो है वो उतर चुके हैं। तो देखते हैं किस तरीके की शुरुआत आज दिल्ली कैपिटल्स की टीम को मिलती है। एक तो चीज तय है कि लखनऊ ने एक पार स्कोर जो हम कहते हैं वो पार स्कोर बना लिया है इस विकेट पर, एक ऐसा स्कोर बना दिया है दिल्ली ने लखनऊ ने कि आपको इस मुकाबले के अंदर लखनऊ स्तूपा जायंट्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स को ये रन चेज करने में बड़ी परेशानी होने वाली है। तो पहली गेंद दाएं हाथ के पृथ्वी शॉ बल्लेबाजी क्रीज पर तैयार नजर आ रहे हैं। डेविड वार्नर आज नॉन स्ट्राइकर एंड पर नजर आएंगे, पहली गेंद का सामना करेंगे आपको इस मुकाबले के अंदर दाएं हाथ के बल्लेबाज पृथ्वी शॉ। गेंदबाजी में बाएं हाथ के अर्शद खान इस मुकाबले के अंदर गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं, जिन्होंने आज बल्लेबाजी के अंत में कमाल कर दिया और उनकी शानदार पारी की वजह से आपको लखनऊ सुपर जायंट्स 167 तक पहुंचने में कामयाब हो पाई। तो दूसरी पारी शुरू होने जा रही है, 12,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं डेविड वार्नर 375 मुकाबलों में। दूसरी तरफ आपको पृथ्वी शॉ, जिनके नाम भी आपको अच्छा खासा रिकॉर्ड जो है वो रहा है आईपीएल के अलावा आपको T20 क्रिकेट में। पहली गेंद ओवर द विकेट से पृथ्वी शॉ के लिए ऑफ स्टंप के बाहर, आखिरी समय के ऊपर बल्ले के फेस को खोलकर बल्लेबाज ने डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ खेल दिया, पहला रन पूरा करेंगे। और पृथ्वी शॉ ने पहली ही गेंद के ऊपर आराम से भाग कर ये एक रन पूरा करके दिल्ली को खाता जो है वो खुल गया है दिल्ली की टीम का। अर्शद खान की ये गेंद थी, हल्की सी टप्पा खाने के बाद इन स्विंग होती हुई अंदर की तरफ आ रही थी, आखिरी समय के ऊपर बल्लेबाज ने अपने बल्ले के फेस को खोलकर सामने की तरफ खेलने की कोशिश की, एक रन पूरा करने में कामयाब हो गए हैं दिल्ली कैपिटल्स। एक रन पे कोई विकेट नहीं। एक गेंद की समाप्ति पर पृथ्वी शॉ जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, पृथ्वी शॉ की बात करते हैं तो आपको पृथ्वी शॉ जो हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए शॉर्ट पिच डिलीवरी इस बार लेग स्टंप की लाइन की गेंद को पुल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद जाके इनके सीधे उंगलियों पर टकराई है और उंगलियों पर टकराने के बाद गेंद गई सीधा वहां फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। लेकिन जब तक इस गेंद को फाइन लेग का फील्डर फील्ड करता है, एक रन भाग का पूरा कर लिया और खिलाड़ी जो है वह थोड़े से चोटिल हो गए हैं पहली ही गेंद पर। ऐसा लग रहा है कि फिजियो दौड़कर मैदान के अंदर आते हुए, और फिलहाल आपको बताते चलें कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम में एक रन के ऊपर कोई विकेट नहीं और एक गेंद की समाप्ति भी फिलहाल जो है वो हो चुकी है। तो फिलहाल के लिए आपको फिजियो जो है वो मैदान पर आए हुए हैं, इनके हाथों को चेक किया जा रहा है कि ज्यादा तकलीफ तो नहीं, फिलहाल कोई परेशानी नहीं इनको, और अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। ओवर द विकेट अर्शद खान की गेंद, सामना करने के लिए बल्लेबाज डेविड वार्नर, ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ डिलीवरी वार्नर के लिए। वार्नर ने अपने फ्रंट फुट पर आकर सीधे बल्ले से गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराई,
और बीचों बीच गेंद टकराने के बाद सीधा पहुंच गई है कवर की दिशा में। बाकी का कार्य वहां कवर के फील्डर ने गेंद को फील्ड करके वापस कर दिया है। रन जो है वह इस ओवर की दूसरी गेंद पर भी नहीं मिलने वाला है। डेविड वार्नर जो कि बल्लेबाजी कर रहे हैं फिलहाल, बाएं हाथ के बल्लेबाज वार्नर ने सीजन में ठीक ठाक बल्लेबाजी की है। उनके लिए एक डीप पॉइंट बाउंड्री पे फील्डर मौजूद और एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पे फील्डर मौजूद। और ये इस ओवर की अगली गेंद को लेकर आने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। फुल एंड डिलीवरी अरशद खान की, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी कांटा बदली, कट करने की कोशिश, लेकिन बल्ले के किनारे को छोड़कर गेंद सीधा विकेट कीपर के एल राहुल के दस्तानों में। थोड़ी सी शॉट थी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बाएं हाथ के डेविड वार्नर को। वार्नर ने यह स्क्वायर कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में बल्ले का किनारा छोड़कर। दिल्ली एक पर कोई विकेट नहीं तीन गेंदों की समाप्ति पर। खलील अहमद, जैसा कि आपको पता है, दिल्ली कैपिटल्स की टीम से बाहर कर दिए गए। अंदर आती हुई गेंद अरशद खान की, इस बार बॉडी पर गेंद थी, आखिरी समय अपने बल्ले को लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले के इनसाइड एज को छोड़ती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जो है वो पहुंच गई है। तो थोड़ी सी शॉट थी, अंदर आ रही थी स्टंप्स के ऊपर से गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची और बाकी का काम विकेट के पीछे। विकेट कीपर ने इस गेंद को फील्ड कर लिया है और दिल्ली दो रनों के ऊपर पहुंची बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आज गेंदबाज इस विकेट के ऊपर, मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। फुल एंड डिलीवरी को वार्नर ने ड्राइव कर दिया, गेंद जाती हुई कवर की दिशा में, थोड़ी सी मिसफील्डिंग कवर के फील्डर के द्वारा। और जब तक इस गेंद को मिड ऑफ के पास है, नवीन उल हक फील्ड करते थ्रो करते दोनों बल्लेबाज उन्हें भाग कर दौड़ कर एक रन पूरा करके वार्नर और दिल्ली पहुंची तीन रनों के ऊपर बिना किसी विकेट के नुकसान के बाद इस मैच में। लखनऊ ने आज अपनी बल्लेबाजी में कमाल कर दिया। लखनऊ 167 रन, एक समय पर लग रहा था कि अगर लखनऊ की टीम 150 भी बना ले तो बहुत स्कोर होगा। अरशद की शॉट गेंद बॉडी पर आती हुई ऑन साइड में मोड़ दिया, गेंद बॉडी पर लगती हुई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ और ये एक रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के भाग कर पूरा कर लिया है। जहां अंतिम गेंद के लिए डेविड वार्नर और ये वार्नर ने आखिरी गेंद पर चौका लगा के ओवर की समाप्ति कर दी। 139 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से डाली हुई गेंद थी डेविड वार्नर की। डेविड वार्नर के लिए अरशद खान की तरफ से पैरों के पास और वार्नर ने मिड ऑन की बाई तरफ से फ्लिक कर दिया। चार रन वार्नर पहुंचे 5 पे, दिल्ली पहुंची 7 पर पहले ओवर के बाद। एक और ओवर की समाप्ति। इस ओवर की समाप्ति के बाद गेंदबाजी में कप्तान जो हैं, अगर मैं देख पा रहा हूं, तो लेकर आ रहे हैं नवीन उल हक को दूसरे छोर से। नवीन आईपीएल में 12 मुकाबले खेल चुके हैं, 16 विकेट हासिल कर चुके हैं अपने आईपीएल करियर के अंदर। 22 की एवरेज है, 8 की इकॉनमी रेट है, 4 विकेट लेके 38 इनका बेस्ट फिगर इनके आईपीएल करियर में रहा है नवीन उल हक का। आज नवीन से बड़ी उम्मीदें होगी लखनऊ सुपर जायंट्स को कि एक अच्छा प्रदर्शन जो है वो करके दिखाएं। आइए देखते हैं कैसा करते हैं प्रदर्शन इस मुकाबले में। ओवर द विकेट से ये अगली गेंद लेके चल रहे हैं नवीन उल हक की ये गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप। आखिरी समय के ऊपर अपने बल्ले को आगे लेकर आके पृथ्वी शॉ ने गेंद को ड्राइव कर दिया। गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराने के बाद सीधा पहुंच गई मिड ऑफ की दिशा में और बाकी का कार्य मिड ऑफ के फील्डर ने गेंद को फील्ड करके वापस कर दिया है। तो हल्की सी स्विंग देखने को मिले पिछली गेंद पर और इन स्विंग होकर गेंद अंदर आ रही थी, जहां गेंद को मिड ऑफ की तरफ केवल ड्राइव करके रन नहीं बटोरा। अगली गेंद के लिए दोबारा से तैयार दाएं हाथ के नवीन उल हक। नवीन उल हक इस समय अपना पहला ओवर डाल रहे हैं और नवीन उल हक की बात करते हैं तो आपको इस मैच में नवीन उल हक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। एक स्लिप के साथ ऑफ स्टंप के बाहर फुल एंड डिलीवरी डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ खेल दिया। 4 रन ऑफ स्टंप पर डाली हुई गेंद थी यहां पृथ्वी शॉ के लिए। अपने फ्रंट फुट को लेकर आके पृथ्वी शॉ ने गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से लॉफ्ट कर दिया और गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराने के बाद डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ नवीन उल हक की गेंद के ऊपर आता हुआ यह शानदार चौका पृथ्वी शॉ के बल्ले से। अगली गेंद नवीन उल हक की, सामने आपको बल्लेबाज पृथ्वी शॉ एक बार फिर
कवर के ऊपर से इस गेंद को लॉफ्ट कर देंगे और गेंद चली गई है सीधा डीप कवर बाउंड्री की तरफ, चार रन्स आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ये फुल लेंथ डिलीवरी थी, अपने फ्रंट फुट को लेकर आए आगे की तरफ और गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच में से ये लॉफ्ट करके पूरे चार रन्स बटोर लिए हैं और इस चौके के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो है वो पहुंची 15 रनों के ऊपर बिना किसी विकेट के नुकसान के बाद, जहां इस ओवर की अगली गेंद लेके चल रहे हैं। गेंदबाजी में नवीन उल हक, दो लगातार चौके खाने के बाद चौथी गेंद ऑफ स्टंप पर फुल लेंथ डिलीवरी, स्विंग होकर अंदर की तरफ आई आखिरी समय के ऊपर, पृथ्वी शॉ ने सीधे बल्ले से गेंद को वापस गेंदबाज की तरफ ड्राइव कर दिया, बाकी का कार्य गेंदबाज ने अपनी बाईं तरफ जाके गेंद को केवल फील्ड कर लिया है, वहां रन लेने का कोई मौका इस गेंद के ऊपर ये नहीं देंगे। डॉट डिलीवरी, आज दिल्ली कैपिटल्स को केवल जीतने के लिए इस मैच में 168 रन चाहिए। आसान तो नहीं होगा लेकिन मुश्किल भी नहीं होगा आपको इस मुकाबले में। अगली गेंद के लिए दोबारा से तैयार नजर आ रहे हैं गेंदबाज। आज आयुष बदोनी ने अपनी बल्लेबाजी में बहुत कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया, अर्धशतक लगाया दोस्तों आपको इस मैच में उन्होंने। अगली गेंद के लिए दोबारा से तैयार, फुल लेंथ डिलीवरी, ड्राइव करने की कोशिश, बल्ले का इनसाइड एज लगा, गेंद बल्ले के इनसाइड एज पे लगने के बाद गेंद जाती हुई सीधा मिड ऑन पर, लेकिन जब तक इस गेंद को मिड ऑन का फील्डर फील्ड करता थ्रो करता, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के भाग कर ये एक रन पूरा कर लिया है। तो फुल लेंथ डिलीवरी के ऊपर सामने की तरफ गेंद को ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे और गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराने के बाद सीधा मिड ऑन की दिशा में पहुंची और इन एक रन के साथ ही आखिरी गेंद लेकर नवीन उल हक तैयार हो रहे हैं। वार्नर ने पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर चौका मारा था अरशद खान की गेंदबाजी पर और नवीन उल हक अपने ओवर की अंतिम गेंद को लेकर आ रहे हैं। सामने आपको बैटिंग क्रीज पे तैयार नजर आ रहे हैं डेविड वार्नर। राउंड द विकेट से गेंदबाजी करने के लिए आते हुए डेविड वार्नर को नवीन उल हक की इस ओवर की अंतिम गेंद सामना करने के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज पैरों पर आती हुई गेंद को स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे डेविड वार्नर, गेंद जाके पैरों पर टकराई और पैरों पर टकराने के बाद वहीं पर ठहर गई। गेंदबाज ने अपनी बाईं तरफ जाके इस गेंद को फील्ड कर लिया, रन लेने का कोई मौका नहीं मिलेगा, ये एक और ओवर जो है वो समाप्त हो चुका है। ऑफ स्टंप पर डाली हुई ये गेंद थी, शफल करके ऑफ स्टंप पर आके बल्लेबाज ये स्वीप मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच जो है वो कोई संपर्क नहीं हो पाया और ये ओवर की समाप्ति भी हो गई है। तो इस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जो है वो 16 रनों के ऊपर दिल्ली कैपिटल्स की टीम पहुंच चुकी है और दिल्ली कैपिटल्स 16 रनों के ऊपर कोई विकेट नहीं ये दो ओवरों की समाप्ति के बाद इस मैच में। एक और ओवर जो है वो समाप्त होता हुआ इस ओवर की समाप्ति के बाद नए ओवर की शुरुआत। गेंदबाजी में आपको कप्तान दूसरे छोर से बाएं हाथ के अरशद खान को उनके दूसरे ओवर के लिए याद कर लिया है। तो अरशद खान नए ओवर की शुरुआत की, पहली गेंद ओवर द विकेट से फुल लेंथ डिलीवरी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, अपने फ्रंट फुट पर आए गेंद को पुश किया, गेंद जाती हुई कवर की दिशा में, कवर के फील्डर ने गेंद को फील करके सीधा नॉन स्ट्राइकर एंड पे ये डायरेक्ट हिट मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जब तक इस गेंद को थ्रो मारते तब तक दोनों बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज के अंदर जो है वो पहुंच चुके थे। तो दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा करके स्कोर को पहुंचा दिया 17 रनों के ऊपर और स्ट्राइक जो है वो अगर हम देखते हैं तो आपको आ चुकी है बाएं हाथ के डेविड वार्नर के पास। अरशद खान अपने ओवर की दूसरी गेंद, सामने डेविड वार्नर, पांच गेंदों पर 5 रन बना के दौड़ना शुरू किया ओवर द विकेट से, ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई फुल लेंथ डिलीवरी, अपने फ्रंट फुट पर आए गेंद को ड्राइव कर दिया और गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराने के बाद सीधा मिड ऑफ के पास पहुंची है और बाकी का काम जो था वो मिड ऑफ के फील्डर ने अपनी बाईं तरफ जाके इस गेंद को फील्ड कर लिया है लेकिन जब तक इस गेंद को मिड ऑन का फील्डर अपनी बाईं तरफ जाके फील्ड करता थ्रो करता, एक रन के साथ स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने वहां कर लिया है रोटेट। शॉर्ट पिच डिलीवरी पर बल्लेबाज ने बहुत आराम से गेंद को वहां पुल करके डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खेलकर एक रन बटोर लिया और दिल्ली का स्कोर 18 रनों के ऊपर पहुंचा बिना किसी विकेट के नुकसान पर दो ओवर और 3 गेंदों की समाप्ति पर। अरशद खान अपने ओवर की चौथी गेंद, दाएं हाथ के पृथ्वी शॉ 9 गेंदों पर 12 रन बनाकर फुल लेंथ डिलीवरी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ड्राइव करने की कोशिश इस गेंद के ऊपर पृथ्वी शॉ के लिए लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा गेंद छोड़ती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में।
पृथ्वी शॉ को यह फुल लेंथ डिलीवरी डाली गई थी ऑफ स्टंप के बाहर, अपने फ्रंट फुट पर आकर गेंद को ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को छोड़ती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंच गई है और बाकी का काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने इस गेंद को फील्ड कर लिया है। LSG वर्सेस DC, लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ का इकन्ना क्रिकेट स्टेडियम है आज जहां मैच खेला जा रहा है। अर्शद खान की शॉर्ट गेंद पैरों के पास, अपने कलाइयों के सारे ऑन साइड में गेंद को मोड़ने की कोशिश कर रहे थे, गेंद बॉडी पर लगी, गेंद जाती हुई बैकवर्ड पॉइंट पर, अब बाकी का कार्य बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर ने इस गेंद को फील्ड करके वापस कर दिया है। स्कोर जो है वो इस समय 18 रनों के ऊपर दिल्ली कैपिटल्स की टीम का बिना किसी विकेट के नुकसान पर 2.4 गेंदों की समाप्ति पर। पृथ्वी शॉ 10 गेंदों के ऊपर 12 रन बनाकर आज एक तेज तरार बल्लेबाजी की उम्मीद दिल्ली कैपिटल्स की टीम को इनसे एक तेज तरार शुरुआत दें। पिछले मैच में भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, अकेले लड़े थे दिल्ली की तरफ से पिछले मुकाबले में, लेकिन अर्शद खान की अगली गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा की तरफ, 4 रन। शॉर्ट गेंद थी ऑफ स्टंप पर, लेकिन ज्यादा उछाल मिली नहीं पृथ्वी शॉ के खिलाफ अर्शद खान की तरफ से, सामने की तरफ उठा के लॉफ्ट कर दिया गेंदबाज के सर के ऊपर से, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा की तरफ, 4 रन। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप अर्शद खान की गेंद, अपने फ्रंट फुट पर आकर पृथ्वी शॉ ने मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट करके लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा की तरफ पहुंचा दिया और दिल्ली कैपिटल्स की टीम पहुंच गई है 22 रनों के ऊपर बिना किसी विकेट के नुकसान के बाद। 3 ओवरों की समाप्ति भी हो चुकी है। अगली गेंद के लिए तैयार हो रहे हैं अर्शद खान। अर्शद खान इस समय 2 ओवर डाल के अब तक कुल मिला के 13 रन दिए हैं। 13 रन देके कोई सफलता नहीं। अंतिम गेंद अर्शद की शॉर्ट ऑफ स्टंप के बाहर आखिरी समय के ऊपर बल्ले के फेस को खोला, लेकिन गेंद बल्ले पर टकरा के सीधा पहुंची बैकवर्ड पॉइंट पर। बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर ने अपनी बाईं तरफ जाके इस गेंद को फील्ड कर लिया और रन भागने का कोई भी मौका इस गेंद के ऊपर नहीं मिलने वाला है। तो ये तीसरे ओवर की जो है वो समाप्ति हो चुकी है और इस तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम का जो स्कोर है वो आपको इस मैच के अंदर 22 रनों के ऊपर कोई विकेट नहीं 3 ओवरों की समाप्ति पर और अर्शद खान का यह दूसरा ओवर भी समाप्त हो गया है। लखनऊ जितनी जल्दी स्पिन गेंदबाजों को लेकर आएगा उतना ही ज्यादा फायदा आपको इस मैच में मिलने वाला है, क्योंकि तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद आपको इस विकेट के ऊपर इतना तो तय है कि नहीं मिलने वाला है आपको इस विकेट पर। अर्शद खान 2 ओवरों में 13 रन। डेविड वार्नर की उंगलियों में थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि उनकी जो नसें हैं वो पूरी तरीके से तन गई हैं और इसी वजह से डेविड वार्नर के हाथों के ऊपर बैंडेज लगाया जा रहा है फिलहाल। याद होगा पिछले ओवर की शुरुआत पर स्वीप मारने की कोशिश करने गए थे जो कि गेंद जाके सीधे इनके ग्लव्स पर लग गई थी और इसी वजह से यहां पर ये घायल हो चुके हैं। तो ग्राउंड के बाहर से इस समय उनके हाथों के ऊपर बैंडेज लगाया जा रहा है और एक मैजिक स्प्रे होता है जिससे आपको जो दर्द है वो तुरंत दूर हो जाता है। उनके हाथों के ऊपर मैजिक स्प्रे लगा दिया गया है और हाथों के ऊपर मैजिक स्प्रे लगाने के बाद अब हम देख पा रहे हैं कि वहां पर गर्म पट्टी जो है वह बांधी जा रही है वार्नर के। गेंदबाजी में तब्दीली, यश रवि सिंह ठाकुर पिछले मैच के हीरो जिन्होंने 5 सफलताएं यश ठाकुर ने पिछले मैच के अंदर निकाली थी। लखनऊ के पास आपको एक से बढ़ के एक तेज गेंदबाज मिल रहे हैं। पहले आपको इनको मिला था पिछले साल युधवीर सिंह चारक, फिर आपको यश ठाकुर भी पिछले साल ही मिले थे, इस साल आपको इनको मयंक यादव मिले। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक ही 2 मुकाबलों में तेज गेंदबाजी करने के बाद वो चोटिल हो गए और मयंक यादव के चोटिल होने के बाद अब यहां पर यश ठाकुर ने पिछले मैच में 5 विकेट गुजरात टाइटंस के खिलाफ निकाला था। तो दोस्तों दिल्ली की तरफ से नंबर 3 की पोजीशन के ऊपर बल्लेबाजी करने उतरेंगे आपको दाएं हाथ के शई होप, 4 पे ऋषभ पंत, 5 पे ट्रिस्टन स्टब्स और 6 पर जेक फ्रेजर मैकगर्क। लेकिन इस समय यश रवि सिंह ठाकुर जो कि अपना पहला ओवर डालने के लिए आते हुए, इस सीजन का दूसरा बेस्ट फिगर इनके नाम है, पहला बेस्ट फिगर जसप्रीत बुमराह के नाम जिन्होंने कल 5 विकेट निकाली 4 ओवरों में। क्या गेंदबाजी कल आपको मुंबई इंडियंस के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ, स्विंग भी देखने को मिला, यॉर्कर भी देखने को मिली, बाउंसर भी देखने को मिला, सारी चीजें हमें कल देखने को मिली जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी के खिलाफ, जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी पर।
तो चलिए नए ओवर की शुरुआत। यश ठाकुर ओवर द विकेट से, सामने राउंड द विकेट से इस ओवर की पहली गेंद को लेकर आ रहे हैं। सामने आपको बैटिंग क्रीज पे मौजूद नजर आ रहे हैं डेविड वार्नर, जो कि सात गेंदों के ऊपर 6 रन बनाकर इस मुकाबले में बल्लेबाजी कर रहे हैं फिलहाल। आउटसाइड द ऑफ स्टंप ये फुल लेंथ डिलीवरी, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, लेकिन इस अंदर आती भी गेंद के ऊपर हल्का सा बैकफुट पे जाके कट करने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज। गेंद बल्ले पर टकराने के बाद सीधा पहुंची कवर की दिशा में, बाकी का कार्य कवर के फील्डर ने इस गेंद को फील्ड करके वहां वापस कर दिया है। रन लेने का कोई भी मौका इस गेंद पर ये जो है वो नहीं देने वाले हैं। अगली गेंद के लिए दोबारा से तैयार नजर आ रहे हैं यश रवि सिंह ठाकुर की अगली गेंद, सामने बाएं हाथ के डेविड वार्नर, वार्नर को डाली हुई शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप पर, ये स्क्वायर कट कर दिया, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ। लेकिन जब तक इस गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री का फील्डर फील्ड करता थ्रो करता, इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के भाग कर ये दौड़ कर 2 रन पूरे कर लिए हैं। थोड़ी सी शॉर्ट थी ऑफ स्टंप के बाहर, आखिरी समय के ऊपर बल्लेबाज ने इस गेंद के ऊपर स्क्वायर कट करके आसानी के साथ दौड़ के 2 रन पूरे कर लिए। दिल्ली 24 रनों के ऊपर इस मुकाबले के अंदर पहुंच चुकी है, 24 रनों के ऊपर फिलहाल कोई विकेट अब तक नहीं गया है। अगली गेंद यश ठाकुर की तरफ से ओवर द विकेट से गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। सामने आपको बैटिंग पर डेविड वार्नर, जो कि खेल रहे हैं 8 रन बनाकर। यश ठाकुर की गेंद और क्लीन बोल्ड कर दिया ऑफ स्टंप के बाहर, आके बल्लेबाज फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच वहां कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद बॉडी पर लगी और बॉडी पर लगने के बाद गेंद जाकर सीधा स्टंप्स पर टकरा गई। डेविड वार्नर 9 गेंदों के ऊपर 8 रन बनाकर अपनी विकेट गंवाकर वापस जा रहे हैं पवेलियन। रवि सिंह ठाकुर की यह गेंद थी गुड लेंथ पर लेग स्टंप की ऑफ स्टंप की तरफ, हल्का सा ऑफ स्टंप पर शफल करके स्कूप मारने गए, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच उधर संपर्क नहीं हुआ। गेंद इनकी बॉडी पर लगी और बॉडी पर लगने के बाद गेंद जाकर सीधा स्टंप्स पे लग गई है। दिल्ली कैपिटल्स ने 24 पर गवाया इस मुकाबले में यह पहला विकेट, और नंबर 3 की पोजीशन के ऊपर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने उतार दिया है दाएं हाथ के जेक फ्रेजर मैकगर्क को। तो जेक फ्रेजर मैकगर्क, जो कि अपना पहला मुकाबला खेल रहे हैं आईपीएल करियर के अंदर, इनके नाम वैसे तो बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, लेकिन आपको जेक फ्रेजर मैकगर्क जो कि नंबर 3 की पोजीशन पे उतारे गए हैं, वो आपको इस मुकाबले में बल्लेबाजी करने के लिए उतर रहे हैं इस टीम की तरफ से। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आज जेक फ्रेजर मैकगर्क का किस तरीके का प्रदर्शन जो है वो करते हैं इस मुकाबले में। मैकगर्क दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, सबसे तेज शतक लगाने का भी रिकॉर्ड है इनके नाम एक दिवसीय क्रिकेट में। अगली गेंद लेकर चले ओवर द विकेट से जेक फ्रेजर मैकगर्क के लिए फुल लेंथ डिलीवरी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, टप्पा खाने के बाद गेंद एंगल बनाती हुई अंदर की तरफ आई। इस अंदर आती हुई गेंद को जेक फ्रेजर मैकगर्क ने सामने की तरफ डिफेंड किया, लेकिन गेंद बल्ले पर टकरा के सीधा पहुंची मिडॉन की दिशा में, और बाकी का काम जो था वो मिडॉन के फील्डर ने इस गेंद को फील्ड करके वहां वापस कर दिया है। पैरों पर डाली हुई गेंद थी, पैरों पर आती हुई गेंद को सामने की तरफ जैसे तैसे बल्लेबाज ने केवल ढकेल दिया था, और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ के भाग कर ये 1 रन पूरा भी कर लिया है। अगली गेंद हवा में उठा कर मारा गया शॉट, फील्डर पीछे मौजूद, लेकिन वो दर्शक बन के गेंद को देखेंगे, और जेक फ्रेजर मैकगर्क ने आते ही आते खाता खोला है अपना छक्के के साथ आईपीएल करियर के अंदर। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी शॉर्ट गेंद, इंतजार किया जेक फ्रेजर मैकगर्क ने इस गेंद के ऊपर, और हल्का सा लेग स्टंप की तरफ आके बल्लेबाज ने इस गेंद को उठाकर लॉफ्ट कर दिया था, और गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराने के बाद सीधा मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, ये दर्शक दीर्घाओं में पूरे 6 रनों के लिए। कमाल का ये शॉट इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने लगा दिया है, और इस छक्के के साथ ही खाता भी खोल चुके हैं जेक फ्रेजर मैकगर्क। मैकगर्क ने 6 रन बना लिए 2 गेंदों के ऊपर। यश ठाकुर की शॉर्ट पिच डिलीवरी पर पुल करके छक्का बटोरा जेक फ्रेजर मैकगर्क ने, दिल्ली पहुंची 30 रनों के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पे। यश ठाकुर की अगली गेंद ओवर द विकेट से, सामने आपको बल्लेबाजी क्रीज के ऊपर फ्रेजर मैकगर्क तैयार नजर आ रहे हैं। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री, डीप फाइन लेग बाउंड्री, दोनों फील्डर आपको बाउंड्री के पास मौजूद हैं।
जेक फ्रेजर मैकगर्क के लिए फुल एंड डिलीवरी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, फ्रंट फुट पर आया, ड्राइव किया, गेंद बल्ले पर टकराई, गेंद जाती हुई सीधा मिड ऑफ की दिशा में, बाकी का कार्य मिड ऑफ के फील्डर ने गेंद को फील्ड करके वहां वापस कर दिया है और ये ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। तो जेक फ्रेजर मैकगर्क की बात करते हैं दोस्तों, तो बहुत ही कमाल के बल्लेबाज हैं ये, और जेक फ्रेजर मैकगर्क जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया के हैं और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा आपको पसंद किया जाता है दिल्ली कैपिटल्स में, खास तौर से आपने देखा होगा क्योंकि इनके जो कोच हैं वो रिकी पॉन्टिंग हैं और रिकी पॉन्टिंग आपको अपने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा चुनते हैं और ज्यादा से ज्यादा मौके देते हैं। तो जेक मैकगर्क एक नए युवा हैं और आज देखते हैं ये युवा खिलाड़ी कितने रन बनाते हैं। नए ओवर की शुरुआत दाएं हाथ के पृथ्वी शॉ को, पृथ्वी शॉ ने गेंद को बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्ट कर दिया, पहली गेंद पर चौका बटोर लिया है। पृथ्वी शॉ पहुंचे 20 रनों के ऊपर इस नए ओवर की शुरुआत की पहली गेंद पर चौका लगा के। बाएं हाथ के अरशद खान के नए ओवर की शुरुआत फुल एंड डिलीवरी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, अपने फ्रंट फुट पर आए, बल्ले के बीचों बीच लिया और गेंद सीधा निकल गई है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, पूरे 4 रन मिले दाएं हाथ के पृथ्वी शॉ के लिए। अरशद खान के नए ओवर की शुरुआत की पहली गेंद पर लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा की तरफ 4 रन, दिल्ली पहुंचा 35/1। बाएं हाथ के अरशद खान की ओवर द विकेट से दूसरी गेंद आती हुई फुल एंड डिलीवरी दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद टप्पा खाने के बाद और बाहर जा रही थी। इस बाहर जाती हुई गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने गेंद को ढकेल दिया जब तक इस गेंद को फील्डर वहां डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पास है, फील्डर फील्ड करता थ्रो करता भागकर एक रन ले लिया है। पैरों पर आती हुई गेंद को यहां पर पृथ्वी शॉ ने मिडॉन की तरफ मार के एक रन भाग का पूरा करके दिल्ली को पहुंचाया 35 रनों के ऊपर एक विकेट के नुकसान पर 4 ओवर और 2 गेंदों की समाप्ति के बाद। जेक फ्रेजर मैकगर्क आ चुके हैं स्ट्राइक पर, पृथ्वी शॉ इस समय 21 रनों के ऊपर 14 गेंदों का सामना करने के बाद खेल रहे हैं। आज आपको गेंदबाजी में जो दूसरे गेंदबाज हैं मार्कस स्टोइनिस, वो भी एक अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं अगर उनको मौका दिया जाए तो। अगली गेंद दाएं हाथ के फ्रेजर मैकगर्क के लिए अरशद खान की तरफ से आउटसाइड द ऑफ स्टंप फुल एंड डिलीवरी, ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा छोड़ती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंच गई है। आउटसाइड द ऑफ स्टंप थोड़ी सी शॉर्ट पिच डिलीवरी, गेंद को पुल करने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच उधर कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई है। बाकी का कार्य विकेट के पीछे, विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड कर लिया। दिल्ली 35/1। अरशद खान अपने ओवर की अगली गेंद लेके चले, हमने जेक फ्रेजर मैकगर्क तैयार नजर आ रहे हैं जो कि आपको एक छक्का ऑलरेडी मार चुके हैं। अरशद खान की एक और शॉर्ट गेंद और जेक फ्रेजर मैकगर्क ने गेंद को बहुत ऊंचा खड़ा कर दिया, गेंद जाती हुई दर्शक दीर्घा में मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर एक और छक्के के लिए। ऐसी गेंदों को तो पसंद करते हैं, बल्लेबाज ने इंतजार किया इस शॉर्ट पिच डिलीवरी का अरशद खान की तरफ से और इंतजार करके जेक फ्रेजर मैकगर्क ने अपने फ्रंट फुट को निकाल के लॉन्ग ऑन और मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर पहुंचा दिया दर्शक दीर्घा में, आधे दर्जन रन जेक फ्रेजर मैकगर्क के नाम। फ्रेजर मैकगर्क पहुंचे 12 रनों के ऊपर 6 गेंदों का सामना करके, दिल्ली पहुंचे 41/1। अगली गेंद लेके चल रहे हैं सामने आपको बैटिंग क्रीज पे जेक फ्रेजर मैकगर्क 96 मीटर लंबा छक्का और अरशद खान अपना तीसरा ओवर डाल रहे हैं। 2 ओवर 5 गेंदों में 24 रन दे चुके हैं अब तक आपको। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद पैरों पर आ गए इन स्विंग होकर आखिरी समय के ऊपर, फ्रेजर मैकगर्क ने अपने बल्ले को लगा के वापस गेंदबाज की तरफ ढकेल दिया। बाकी का काम गेंदबाज ने इस गेंद को फील्ड करके वापस किया, रन लेने का कोई मौका नहीं। आखिरी गेंद बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अरशद खान की तरफ से आती हुई सामने आपको बैटिंग क्रीज पर, स्ट्राइक रेट T20 क्रिकेट में जेक फ्रेजर मैकगर्क का 133 का है तो कुछ ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ एक दिवस से क्रिकेट में सबसे तेज डोमेस्टिक क्रिकेट में अर्ध शतक लगाने का इनका रिकॉर्ड है। एक स्लिप के साथ फुल एंड डिलीवरी पॉइंट के ऊपर से स्लैश कर दिया, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ एक और चौका 5वें ओवर के बाद, दिल्ली 45/1। अंतिम गेंद थी अरशद खान की तरफ से आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बल्लेबाज ने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्लैश कर दिया था और गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराने के बाद डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ निकल के चले गई और ये पूरे 4 रन बटोर लिए 45/1 दिल्ली कैपिटल्स 5 के बाद। 3 ओवर में अरशद ने 28 रन दिए हैं और 28 रन देके कोई सफलता नहीं।
पांच के बाद 45 पर एक, कप्तान क्या स्पिन गेंदबाज लगाएंगे या एक और ओवर जो है वो तेज गेंदबाज यश ठाकुर को देंगे। कृणाल पांड्या आ गए हैं फाइनली, और कृणाल पांड्या को कप्तान ने उनके पहले ओवर के लिए याद कर लिया है। कृणाल पांड्या के नए ओवर की शुरुआत। दाएं हाथ के पृथ्वी शॉ बल्लेबाजी क्रीज पे तैयार नजर आ रहे हैं। राउंड द विकेट से लेग स्टंप की लाइन पर आती हुई गेंद थी, पैरों के पास ऑन साइड में गेंद को ढकेला बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने। गेंद बल्ले के बीचों बीच टकरा के गेंद पहुंची सीधा वहां लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, लेकिन जब तक इस गेंद को लॉन्ग ऑन का फील्डर फील करता थ्रो करता एक रन भाग का पूरा कर लेंगे। मैगॉक 7 गेंदों में 16 रनों के ऊपर। कृणाल पांड्या की लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, विकेट कीपर को भी छका जाएगी, गेंद निकल जाएगी फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, 4 रन वाइड के रूप में चौका मिलता हुआ। बहुत ज्यादा बाहर डाल दी जेक फ्रेजर मैगॉक के लिए गेंद लेग स्टंप के, विकेट कीपर जो कि स्टंप से बिल्कुल चिपक के खड़े हुए थे वो इस गेंद को रोक नहीं पाए, और गेंद विकेट कीपर को भी छकाती हुई सीधा फाइन लेग बाउंड्री की तरफ निकल गई, और ये पूरे 4 रन इस गेंद के ऊपर प्राप्त हो गए हैं बल्लेबाज दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। 51 पर एक वाइड और एक ज्यादा रन मिला। अगली गेंद के लिए तैयार, सामने आपको स्ट्राइक के ऊपर जेक फ्रेजर मैकगॉक, पैरों पर आती हुई गेंद कृणाल पांड्या की तरफ से राउंड द विकेट से लेग स्टंप के ऊपर, पैरों पर गेंद टकराने के बाद गई उधर फील्डर की तरफ, लेकिन जब तक इस गेंद को फील्डर जाके फील करता थ्रो करता इन दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया। स्ट्राइक आपको पृथ्वी शॉ के पास आ चुकी है, जो कि ऑलरेडी 4 चौके आपको पृथ्वी शॉ इस मैच में लगा चुके हैं। कृणाल पांड्या अगली गेंद, ये लाजवाब स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा की तरफ, 4 रन। कृणाल पांड्या की ये तीसरी ही गेंद थी, 11 आ चुके हैं, पैरों पर डाली हुई गेंद थी, हल्का सा शफल करके ऑफ स्टंप पर आके स्वीप कर दिया और गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। पृथ्वी शॉ के नाम देखते ही देखते आपको 24 रन हो चुके हैं, 26 रन, और कृणाल पांड्या अपने पहले ही ओवर में बहुत ज्यादा मार खा रहे हैं, ऑलरेडी 11 रन दे चुके हैं। एक और चौका राउंड विकेट से, शॉर्ट गेंद उठाकर मारा मिड ऑन के ऊपर से, शॉर्ट आर्म पुल लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, एक और चौके के लिए। पृथ्वी शॉ का आज ये जो पारी है 17 गेंदों में 30 रनों की दिल्ली कैपिटल्स के लिए, बहुत ही अच्छी पारी, क्योंकि रन रेट आपको 10 के ऊपर चलता हुआ दिल्ली कैपिटल्स की टीम का, और पृथ्वी शॉ 18 गेंदों में 30 रनों के ऊपर पहुंच चुके हैं ऑलरेडी इस मुकाबले में। अगली गेंद राउंड द विकेट से, आखिरी गेंद लेके चल रहे हैं दाएं हाथ के पृथ्वी शॉ के लिए, पैरों पर आती हुई तेज गति की गेंद, और जैसे तैसे गेंद को ड्राइव किया, गेंद बल्ले पर टकरा के सीधा पहुंची कवर की दिशा में, बाकी का कार्य कवर के फील्डर ने गेंद को फील्ड कर लिया। कृणाल पांड्या के ओवर की अंतिम गेंद आ रही है फिलहाल, दाएं हाथ के पृथ्वी शॉ तैयार नजर आ रहे हैं, लेग स्टंप पे गए बल्लेबाज, ऑन साइड में मोड़ दिया, गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, पहला रन पूरा करेंगे, दूसरा रन पूरा करेंगे, और जब तक इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री का फील्डर फील करता थ्रो करता इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के भाग कर ये 2 रन पूरे करके ओवर की समाप्ति कर दी है। 2 रनों के साथ दिल्ली कैपिटल्स 6 के बाद 62 एक विकेट के नुकसान पर। कृणाल पांड्या के पहले ही ओवर में 16 रन आए हैं, और ये ओवर जो है वो समाप्त हो चुका है। थर्ड अंपायर के पास केवल ये चेक करने गए थे कि कहीं ये रन आउट तो नहीं हो गए हैं, लेकिन रिप्ले में देखने के बाद पता चल गया कि रन आउट नहीं है और ये ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। तो 6 के बाद 62 रन दिल्ली कैपिटल्स एक विकेट के नुकसान पर, और आपको बताते चलें यहां 62 रनों के ऊपर एक विकेट इस मैच में हो चुकी है। आने वाले बल्लेबाजों की तरफ एक नजर डाल लेते हैं, दिल्ली कैपिटल्स में कौन कौन मौजूद हैं। तो आइए दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों के ऊपर आप देख लीजिए कौन कौन इसके बाद बैटिंग करने उतरेंगे, क्योंकि 106 रनों की और आवश्यकता ये मैच जीतने के लिए, और 84 गेंदे जो है वो अभी भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम के पास पड़ी हुई हैं। बल्लेबाजी में आपको अगले बल्लेबाज नंबर 4 की पोजीशन के ऊपर बाएं हाथ के जो ऋषभ पंत हैं वो बल्लेबाजी करने उतरेंगे। नंबर 4 के ऊपर एक्चुअली में शेई होप उतरेंगे, शेई होप के बाद बल्लेबाजी में आपको उतरेंगे विकेट कीपर बल्लेबाज नंबर 5 की पोजीशन पर ऋषभ पंत। ऋषभ पंत के बाद बल्लेबाजी करने उतरेंगे आपको इस मैच में इस टीम के अभी तक सबसे अच्छी बल्लेबाजी करने वाले ट्रिस्टन स्टब्स,
रिस्टन स्टब्स के बाद आपको बैटिंग पे उतरेंगे अक्षर पटेल नंबर 7 की पोजीशन पर। नंबर 8 के ऊपर आपको अभिषेक पोरेल खेलेंगे जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। अभिषेक पोरेल के बाद नंबर 8 की पोजीशन के बाद नंबर 9 पे कुलदीप यादव नजर आएंगे खेलते हुए। नंबर 10 की पोजीशन पर ईशांत शर्मा अभी नंबर 10 पे, लेकिन अभी बहुत बल्लेबाजी जो है वो दिल्ली कैपिटल्स की टीम के पास पड़ी हुई है। कप्तान है, फिर शेई होप है, स्टॉप्स हैं, फ्रेजर मैकगर्क ऑलरेडी बैटिंग कर रहे हैं, तो बल्लेबाजी जो है वो बहुत लंबी मौजूद है आपको इस मैच के अंदर दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए। और जीतने के लिए 84 गेंद है, यानी कि 14 ओवरों का खेल और मौजूद नजर आ रहा है, और अगले 14 ओवरों में केवल 106 रनों की और आवश्यकता यह मैच जीतने के लिए चाहिए। तो गेंदबाजी में तब्दीली, और अब कप्तान स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई को लेकर आ सकते हैं। बिश्नोई आज अच्छे गेंदबाज जो हैं वो साबित हो सकते हैं इस मुकाबले में। वैसे आपको लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने गेंदबाजों का सही से इस्तेमाल इस साल किया नहीं है, बस ये है कि लखनऊ मैचेस को जीतती हुई आ रही है, तो आपको ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान अगर यहाँ रवि बिश्नोई आते हैं और अगर एक आध विकेट ले लेते हैं तो वो तुरंत आपको हटाने में उनको देर नहीं करेंगे, अगला ओवर फिर आपको उनको देंगे नहीं। और पिछले मैच में उन्होंने एक ओवर में विकेट निकाली और उसके बाद उनको तुरंत बाहर कर दिया इन्होंने। बिश्नोई इस टीम के सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक हैं। पहली गेंद आते ही आते जेक फ्रेजर मैकगर्क के लिए पैरों पर आती हुई गेंद, स्लाइटेड डिलीवरी। फ्रेजर मैकगर्क ने स्लाइटेड डिलीवरी को फॉरवर्ड आके गेंद को पुश कर दिया बैक टू द बॉलर। बॉलर ने अपनी बाईं तरफ जाके फील्ड किया, रन लेने का कोई मौका नहीं। बिश्नोई की दूसरी गेंद सामने आपको जेक फ्रेजर मैकगर्क हैं जो कि 16 बना के 9 गेंदों पर खेल रहे हैं। बिश्नोई ज्यादातर गूगली डालते हैं। अगली गेंद बल्ले का इनसाइड एज, और इनसाइड एज लगने के बाद पैरों पर टकराई, पैरों पर टकराने के बाद बैकवर्ड पॉइंट की तरफ पहुंची। अब बाकी का कार्य बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर ने फील्ड किया है और स्कोर जो है वो हो चुका है 62 पर 1 6 ओवर 2 गेंदों के बाद। अगली गेंद रवि बिश्नोई की, शॉर्ट पिच डिलीवरी, पुल करने की कोशिश, गेंद बल्ले पर टकराने के बाद जाती हुई उधर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। एक रन भागेंगे, दूसरे का कॉल किया है, लेकिन जब तक इस गेंद को बाउंड्री के पास से फील्डर वहां फील्ड करता, थ्रो करता, जेक फ्रेजर मैकगर्क और पृथ्वी शॉ ने भाग कर दौड़ कर ये एक रन पूरा कर लिया। अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप पर, तेज गति की गेंद थी, और इस ऑफ स्टंप के ऊपर डाली हुई गेंद को बल्लेबाज ने कवर की दिशा में खेलकर एक रन बटोर के दिल्ली को 64-63 रनों के ऊपर पहुंचा दिया है। बिश्नोई मुझे लगता है कि आपको यही एकमात्र ऐसे गेंदबाज नजर आ रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स में जो कि आपको विकेट ले सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, अन्यथा बाकी के गेंदबाज तो आपको कुछ कामयाब ही नहीं साबित हो रहे हैं। एक और अच्छी गेंद लेग स्टंप की लाइन पर, हल्का सा लेग स्टंप पे जाके सीधे बल्ले से पुश कर दिया, गेंदबाज ने फॉलो थ्रू में बाईं तरफ जाके फील्ड कर लिया है रवि बिश्नोई ने। अंतिम गेंद रवि बिश्नोई की तरफ से आती हुई, रवि बिश्नोई 5 गेंदे फेंक चुके हैं फिलहाल, और अब तक 5 गेंदे फेंक कर इन्होंने केवल और केवल 1 रन दिया है इस मैच में। और यह इस ओवर की अगली गेंद, आखिरी गेंद लेके चले लेग स्टंप की लाइन पर, ऑन साइड में उठाकर मारने की कोशिश पृथ्वी शॉ के द्वारा, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच जो है वह संपर्क नहीं हुआ, गेंद पैरों पर टकराई और वहीं पर ठहर गई है। बिश्नोई के ओवर की अंतिम गेंद आ रही है, और इस अंतिम गेंद के ऊपर पृथ्वी शॉ, और अभी मैंने कहा ही था कि बिश्नोई अगर आएंगे तो विकेट ले सकते हैं, पृथ्वी शॉ ने गेंद को ऊंचा खड़ा कर दिया, फील्डर पीछे मौजूद थे और पृथ्वी शॉ ने गेंद को सीधा डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री, डीप मिड विकेट बाउंड्री के हाथों में मार दिया है, जहां निकोलस पूरन ने कोई गलती नहीं की, और यह पृथ्वी शॉ को कर दिया है चलता अपने पहले ही ओवर की अंतिम गेंद पर। बिश्नोई ने पहले ओवर की अंतिम गेंद डाली, पैरों के पास नीचे बैठकर स्लॉग स्वीप करने गए, लेकिन गेंद सीधा मिड विकेट बाउंड्री के हाथों में चली गई, और बाउंड्री रोप्स के ऊपर निकोलस पूरन जो कि फील्डिंग कर रहे थे वो अपनी बाईं तरफ दौड़ के आके तेजी के साथ आगे की तरफ एक शानदार कैच पकड़ के पृथ्वी शॉ को 32 रनों के ऊपर चलता कर दिया 22 गेंदों का सामना करने के बाद, और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 63 रनों के ऊपर दिल्ली कैपिटल्स का यह दूसरा विकेट निकालती हुई। पूरन ने कैच पकड़ा, बिश्नोई ने गेंदबाजी करी नंबर 3 की पोजीशन पर। आज नंबर 4 पे ऋषभ पंत उतर रहे हैं,
अच्छे खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत। आपको ऋषभ पंत जो है वह आज नंबर चार पे उतर रहे हैं खुद बल्लेबाजी करने के लिए। कप्तान आज खुद आगे आ गए हैं बैटिंग करने के लिए और ये अच्छा डिसीजन भी है कि वह खुद आपको बल्लेबाजी करने नंबर चार की पोजीशन पर आए हैं। 7/63, 2 विकेट दिल्ली कैपिटल्स। रवि बिश्नोई के पहले ही ओवर में 1 रन देके 1 सफलता आपको इस मैच में रवि बिश्नोई के नाम। रवि बिश्नोई के इस ओवर की समाप्ति के बाद गेंदबाजी में है नवीन उलहक। अपना अगला ओवर शुरू करने आ रहे हैं इस छोर से और नवीन उलहक जिन्होंने 1 ओवर में 9 रन दिए हैं। नवीन अपना दूसरा ओवर शुरू करने आ रहे हैं। नवीन उलहक का पहला ओवर ठीक ठाक रहा था लेकिन एक ही ओवर कप्तान ने आपको इनसे पावर प्ले में कराया था और उसके बाद इनको हटा दिया था। 174 T20 मुकाबले 4,507 रन ऋषभ पंत के नाम, 145 का स्ट्राइक रेट, कमाल का खिलाड़ी है आपको ऋषभ पंत भी। नवीन उलहक अपने नए ओवर की शुरुआत की पहली गेंद लेके चल रहे हैं। नवीन की पहली गेंद ओवर द विकेट से सामने दाएं हाथ के जेक फ्रेजर मैकगर्क तैयार नजर आ रहे हैं नवीन की इस पहली गेंद का। और इस पहली गेंद के ऊपर फ्रेजर मैकगर्क ने बड़े प्यार से गेंद को पुल कर दिया, गेंद जाते हुए डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 1 रन के लिए और 1 रन के साथ स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिल चुकी है। पंत 0 पे खेल रहे हैं। निकोलस पुरन जिन्होंने कैच पकड़ा अभी थोड़ी देर पहले, कमाल का कैच था वो बाउंड्री रोप्स की तरफ। दिल्ली इस समय 64 रनों के ऊपर पहुंच चुकी है 2 विकेटों के नुकसान पर इस मैच में। अगली गेंद नवीन उलहक की तरफ से ओवर द विकेट से सामने आपको बैटिंग क्रीज पे मौजूद नजर आ रहे हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत आपको 0 पे खेल रहे हैं फिलहाल। आज उम्मीद कर रहे हैं आप कि ऋषभ पंत जो है वो एक छोटी सी पारी लेकिन एक अच्छी पारी खेलें तेज गति से ताकि रन जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़े। नवीन की अगली गेंद ऋषभ पंत के लिए, ऋषभ पंत ने इस गेंद को गैप में खेल दिया, गेंद जाती हुई डीप पॉइंट बाउंड्री पर, पहला रन पूरा करेंगे, दूसरे का कॉल किया है। और लेकिन जब तक इस गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के पास से सब्स्टिट्यूट फील्डर कृष्णपा गौतम जाके फील्ड करते थ्रो करते 2 रन पूरे करके दिल्ली 66 पे 2। तो नवीन उलहक की इस गेंद पर बहुत आराम बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ खेल के बल्लेबाज ने 2 रन भाग लिए हैं और नवीन उलहक की ये अगली गेंद आती हुई सामने आपको ऋषभ पंत तैयार नजर आ रहे हैं। ऋषभ पंत के लिए लेग स्टंप की लाइन पर यह ऑफ कटर गेंद, लेग स्टंप की लाइन की गेंद को बल्लेबाज ने जैसे तैसे खेलने की कोशिश की, बल्ले के बिल्कुल टो एंड पे लगने के बाद वापस गेंदबाज नवीन उलहक के पास पहुंची। नवीन ने अपनी बाईं तरफ जाके इस गेंद को फील्ड कर लिया। रन लेने का कोई मौका ऋषभ पंत को इस ओवर की तीसरी गेंद पे नहीं देंगे। दिल्ली समय 66 रनों के ऊपर 2 विकेटों के नुकसान पर नवीन उलहक इस ओवर की सेकेंड लास्ट डिलीवरी। सामने आपको ऋषभ पंत नजर आ रहे हैं। अभी अगर हम बात करते हैं लखनऊ ने 7 ओवर 3 गेंदों में 66 रन बनाए थे, 3 विकेटें आपको लखनऊ की टीम ने गवाई थी। दिल्ली 66 पे 2 विकेटें हैं, लगभग बराबर दोनों टीमों ने रन बनाए हैं। अगली गेंद पुश किया कवर पे, निकोलस पुरन कवर की दिशा में मौजूद थे, आगे भाग कर आए, गेंद को फील्ड किया, नॉन स्ट्राइकर एंड पे डायरेक्ट हिट मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये डायरेक्ट हिट मारने में कामयाब नहीं हो पाए और इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के भाग कर ये 1 रन पूरा कर लिया है। दिल्ली 67 रनों के ऊपर पहुंची इस खेल में, 67 रनों के ऊपर 2 विकेटें हो चुकी हैं। अगली गेंद के लिए दोबारा से तैयार नजर आ रहे हैं नवीन उलहक ओवर द विकेट से जेक फ्रेजर मैकगर्क के लिए। मैकगर्क ने एक और सिंगल जो निकाल दिया है, गेंद अच्छी थी ऑफ स्टंप के बाहर, टप्पा खाने के बाद गेंद हल्की सी अंदर की तरफ आ रही थी और इस गेंद को बल्लेबाज ने पुल कर दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। लेकिन जब तक इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री का फील्डर फील करके थ्रो कर पाते 1 रन भाग पूरा कर लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। तो शॉर्ट पिच गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खेल के 1 रन भाग के दिल्ली को पहुंचाया 68 रनों के ऊपर 2 विकेटों के नुकसान पर। इस विकेट पे कप्तान को मार्कस स्टोइनिस से भी गेंदबाजी करानी चाहिए क्योंकि मार्कस स्टोइनिस भी इस विकेट के ऊपर बहुत कामयाब साबित हो सकते हैं क्योंकि उनकी जो गति है उस हिसाब से जो विकेट है आपको बहुत स्लो है और उनकी गति की वजह से आपको बहुत विकेटें मिल सकती हैं। उनको भी नवीन उलहक अपने ओवर की अंतिम गेंद दाएं हाथ से ओवर द विकेट से बाएं हाथ के पंत के लिए पैरों पर आती हुई गेंद को फ्लिक कर दिया, गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। लेकिन जब तक इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री का फील्डर फील करता थ्रो करता 1 रन के साथ ओवर समाप्त। 8 के बाद दिल्ली 69 रन 2 विकेटों के नुकसान पर।
रवि बिश्नोई ने अपने पहले ओवर में केवल एक रन दिया था, कप्तान ने उनको दूसरा ओवर दे दिया है। चलिए आज खैर है कि कम से कम रवि बिश्नोई ने विकेट निकालने के बाद कप्तान ने उनको दूसरा ओवर दे दिया है। अक्सर होता यह है कि वो विकेट निकालते हैं और उसके बाद जो है आपको असली मेहनत ये करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है बाकी के गेंदबाज जो है पूरा का पूरा मलाई खा जाते हैं मैच का। जिस तरीके से पिछले मैच में विकेट्स नहीं गिर रही थी, इन्होंने विकेट दिलाई और जैसे ही इन्होंने विकेट दिलाई उसके बाद इनको हटा दिया था पिछले मैच के अंदर गेंदबाजी में। और फिर आपको 5 विकेट आपको यश रवि सिंह ठाकुर लेके चले गए। वो 5 विकेट असल मायनों में रवि बिश्नोई को मिल सकते थे पिछले मैच में। बिश्नोई की दूसरे ओवर की शुरुआत की पहली गेंद, ऋषभ पंत 4 गेंदों में 4 बना के बिश्नोई के नए ओवर की शुरुआत की पहली गेंद ओवर द विकेट से बाएं हाथ के ऋषभ पंत के लिए। पंत के लिए लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री, डीप मिड विकेट बाउंड्री और एक डीप पॉइंट बाउंड्री। ये फील्डर 5 मौजूद, 1 स्लिप मौजूद, उठा के मारा गया शॉट डीप कवर बाउंड्री पर, पहला रन भागेंगे, दूसरे का कॉल किया। जब तक इस गेंद को डीप पॉइंट बाउंड्री के पास है नवीन लक फील करते 2 रन पूरे कर लिए हैं। दिल्ली 71 रनों के ऊपर पहुंची बिना किसी 2 विकेटों के नुकसान पे 8.2 गेंदों के बाद। बिश्नोई की दूसरी गेंद बाएं हाथ के पंत के लिए, पंत ने इस फ्लाइट डिलीवरी को फॉरवर्ड आके केवल डिफेंड किया, बैक टू द बोला, बॉलर ने अपने बाई तरफ जाके इस गेंद को फील्ड कर लिया है। अगली गेंद के लिए दोबारा से तैयार हैं। सामने आपको स्ट्राइक के ऊपर जो मौजूद है वो ऋषभ पंत रहने वाले हैं। फ्लाइट डिलीवरी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, टप्पा खाने के बाद टर्न होती हुई हल्की सी अंदर की तरफ आई और पैरों को आगे लेकर आके ऋषभ पंत ने गेंद को गेंदबाज की तरफ केवल ढकेल दिया है। बाकी का कार्य वहां फील्डर ने फील्ड कर लिया। रन लेने का कोई मौका इस गेंद पर ये नहीं देंगे। एक और डॉट बॉल आ गया है। दिल्ली कैपिटल्स 71 रनों के ऊपर फिलहाल, 71 पर 2 विकेटें, 8 ओवर और 4 गेंदों की समाप्ति पर। दिल्ली कैपिटल्स को जीतने के लिए केवल और केवल इस मैच में चाहिए 96 रन 68 गेंदों के ऊपर। गेंदबाजी करने के लिए दाएं हाथ के लेग स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई आ रहे हैं। फ्लाइट डिलीवरी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव कर दिया, लेकिन गेंद बल्ले पर टकराने के बाद जाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। लेकिन जब तक इस गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री का फील्डर फील्ड करके थ्रो कर पाते तब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के भाग कर ये एक और रन जो है वो पूरा कर लिया है। इस फ्लाइट डिलीवरी पर सामने की तरफ बल्लेबाज ने गेंद को खेल के एक रन जो है वो बटोर लिया। 1 रन के साथ स्कोर हो गया बढ़कर 73 रन 2 विकेटों के नुकसान के बाद। अगली गेंद जेक फ्रेजर मैकगर्क नजर आ रहे हैं, दाएं हाथ के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी। शॉर्ट गेंद पुल करने की कोशिश, गेंद बल्ले के बिल्कुल टो एंड पर लगने के बाद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। लेकिन जब तक इस गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री का फील्डर फील्ड करता थ्रो करता एक रन पूरा कर लिया है। दिल्ली 73 रनों के ऊपर पहुंची, 73 रनों के ऊपर 2 विकेटें 9वें ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर ऋषभ पंत ने फॉरवर्ड आके गेंद को केवल पुश किया, बैक टू द बोला, ओवर की समाप्ति 73 पर 2 और ये ओवर समाप्त। आखिरी गेंद के ऊपर रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पूरी तरीके से गेंद की लाइन को ये मिस कर गए। आखिरी समय के ऊपर अपना बल्ला लगाने में कामयाब रहे, गेंद बल्ले पर टकराने के बाद बैकवर्ड पॉइंट पर ओवर की समाप्ति 9 के बाद 73। दिल्ली कैपिटल्स 2 विकेटों के नुकसान के बाद जब से पृथ्वी शॉ आउट हुए हैं तब से 12 गेंदों पे केवल 10 रन बनाए हैं दिल्ली के बल्लेबाजों ने। बिश्नोई ने अपने 2 ओवरों में केवल 5 रन दिए हैं और 5 रन दे के रवि बिश्नोई ने एक सफलता भी निकाली हुई है। बिश्नोई के ओवर की समाप्ति के बाद गेंदबाजी में तेज गेंदबाज वापस आ रहे हैं यश ठाकुर। यश ठाकुर अपने नए ओवर की शुरुआत के साथ अपना दूसरा ओवर लेकर, पहले ओवर में इन्होंने जरूर एक सफलता जो है निकाली थी, अपने दूसरे ओवर के अंदर भी एक सफलता निकालने की कोशिश करेंगे दिल्ली कैपिटल्स को। दौड़ना शुरू किया ओवर द विकेट से, यह पहली गेंद जेक फ्रेजर मैकगर्क के लिए, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ स्टंप के बाहर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से डाली हुई गेंद रवि सिंह ठाकुर की तरफ से। ठाकुर की गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद बल्ले पर टकरा के कवर की दिशा में, रन लेने का कोई मौका नहीं इस ओवर की शुरुआत की पहली गेंद के ऊपर। अगली गेंद यश ठाकुर की, सामने आपको रवि सिंह ठाकुर जो है वो तैयार नजर आ रहे हैं इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए। सामने आपको बल्लेबाजी क्रीज पर दोबारा से तैयार नजर आ रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई है फुल लेंथ डिलीवरी और इस फुल लेंथ डिलीवरी के ऊपर बल्लेबाज ने गेंद को ड्राइव कर दिया, लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराने के बाद सीधा पहुंची कवर के पास
बाकी का कार्य वहां कवर के फील्डर ने गेंद को फील्ड कर लिया और रन लेने का कोई भी मौका इस गेंद के ऊपर नहीं मिलने वाला है। स्कोर जो है वो 73 रनों के ऊपर पहुंचा 2 विकेटों के नुकसान पे। जेक फ्रेजर मैकगर्क 16 गेंदों में 20 बना के 17 गेंदों के ऊपर और ऋषभ पंत जो कि खेल रहे हैं 9 गेंदों के ऊपर फिलहाल 7 रन बना के इस मैच में। रवि सिंह ठाकुर आखिरी की 3 और गेंदें लेकर आने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं बल्लेबाजी में। ओवर द विकेट से गेंदबाजी करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं यश ठाकुर। यश ठाकुर पिछले ही मैच में 5 विकेट लेकर आ रहे हैं इस मुकाबले के अंदर। बहुत कमाल के खिलाड़ी हैं आपको ये। और ये इस ओवर की आखिरी की 3 गेंदों के लिए जेक फ्रेजर मैकगर्क 2 छक्के आते ही इन्होंने लगाए थे लेकिन उसके बाद से शांत हो गए हैं। ठंडे पानी की तरह बिल्कुल आपको इस मुकाबले के अंदर खेलते हुए नजर आ रहे हैं ये बल्लेबाज। आखिरी की 3 और गेंदें रह गई हैं बाकी। जहां यश ठाकुर की इस ओवर की 4थी गेंद जेक फ्रेजर मैकगर्क के लिए दौड़ना शुरू किया शॉर्ट थर्ड मैन के साथ फुल टॉस गेंद सामने की तरफ सीधा शॉट मार देंगे जेक फ्रेजर मैकगर्क। गेंद बल्ले पर टकरा के लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ गई 1 रन के लिए। पहली गेंद पर कोई रन नहीं दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं और तीसरी गेंद पे इस गेंद पे लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ खेल के 1 रन बटोरा। दिल्ली 74 पे पहुंचा 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद यश ठाकुर की सामने आपको बैटिंग पे तैयार नजर आ रहे हैं खिलाड़ी। बल्लेबाजी में ऋषभ पंत और ऋषभ पंत ने आपको कुल मिला के अब तक आपको केवल 8 रन बनाए हैं बैटिंग में 10 गेंदों का जो है वो सामना कर लिया है। ओवर द विकेट से ठाकुर की 5वीं गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज को शॉर्ट गेंद थी तेज गति से अंदर आई आखिरी समय के ऊपर अपने कलाइयों के सारे ऑन साइड में मोड़ दिया। पहला रन पूरा करेंगे दूसरे का कॉल किया लेकिन जब तक इस गेंद को स्क्वेले का फील्डर आगे आके फील्ड करता थ्रो करता इन दोनों बल्लेबाजों ने भागकर दौड़कर 1 रन पूरा करके दिल्ली को 75 पे पहुंचा दिया है 2 विकेटों के नुकसान पर 9.5 गेंदों की समाप्ति पर। आखिरी गेंद यश ठाकुर की तरफ से जेक फ्रेजर मैकगर्क 21 रन बना के 18 गेंदों का सामना करने के बाद कल राजस्थान रॉयल्स और राजस्थान रॉयल्स के सामने कल होने वाली है पंजाब किंग्स की टीमें जहां रवि सिंह ठाकुर अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर आ रहे हैं दौड़ने के लिए तैयार जेक फ्रेजर मैकगर्क के लिए। ओवर द विकेट से आउटसाइड द ऑफ स्टंप डाली हुई गेंद रवि सिंह ठाकुर की तरफ से इंतजार किया बल्लेबाज ने गेंद को सामने की तरफ इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा छोड़कर सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। बाकी का कार्य विकेट के पीछे विकेट कीपर ने इस गेंद को फील्ड कर लिया है और ये ओवर जो है वो समाप्त हो चुका है। तो 10 ओवरों का खेल समाप्त 10 ओवर के खेल की समाप्ति पे 75 रन 2 विकेटों के नुकसान पे दिल्ली कैपिटल्स की टीम। और आपको बता दें कि 10 ओवरों का खेल जो है वो इसी बीच इस मैच में समाप्त हो गया है। यश ठाकुर ने अपने 2 ओवरों में 10 रन देके अच्छा ओवर आपको इनको केवल और केवल 2 रनों का ओवर। अब रवि बिश्नोई अपने 3रे ओवर की शुरुआत के साथ बाएं हाथ के ऋषभ पंत के खिलाफ। बिश्नोई के नए ओवर की शुरुआत पहली गेंद लेग स्टंप की लाइन पर टर्न होकर हल्की सी अंदर की तरफ आ रही थी कदमों का इस्तेमाल करके गेंद की पिच तक पहुंच के गेंद को सामने की तरफ धकेल देंगे। गेंद बल्ले पर हवा में चली गई बल्ले का बाहरी किनारा लगने के बाद गेंदबाज खुद भागकर चले गए लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ 1 रन के लिए। 1 रन के साथ दिल्ली 76 रनों के ऊपर पहुंची फिलहाल इस खेल में और 76 रनों के ऊपर 2 विकेट 10.1 गेंद की समाप्ति पर। अगली गेंद रवि बिश्नोई की जेक फ्रेजर मैकगर्क 19 गेंदों के ऊपर 21 रन बनाकर खेल रहे हैं। बिश्नोई अपना यह 3रा ओवर फिलहाल डाल रहे हैं इस खेल में। यह हवा में मारा गया शॉट जेक फ्रेजर मैकगर्क के द्वारा गेंद जाती हुई बाउंड्री रोप्स की तरफ पहला रन पूरा करेंगे दूसरे का कॉल किया है और जब तक इस गेंद को बाउंड्री के पास है डीप कवर बाउंड्री के पास है फील्डर फील्ड करता लॉन्ग ऑफ बाउंड्री का फील्डर दौड़ के इन दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन भाग के पूरे कर लिए हैं। देवदत्त पडिक्कल लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पास मौजूद थे और इस गेंद को इन्होंने इनसाइड आउट शॉट मार के डीप कवर बाउंड्री की तरफ 2 रन पूरे कर लिए हैं। दिल्ली 78 रनों के ऊपर 2 विकेटों के नुकसान पे 10 ओवर और 2 गेंदों की समाप्ति पे जेक फ्रेजर मैकगर्क 24 पे 21 गेंदों का सामना करने के बाद जिसमें 2 छक्का और 1 चौका शामिल है उसके बावजूद तेज गति से बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं जेक फ्रेजर मैकगर्क फंसते गए हैं आपको रवि बिश्नोई के सामने। एक और गूगली सामने की तरफ उठा के मारा गया शॉट बल्ले पर गेंद टकराने के बाद लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ पहुंची लेकिन जब तक इस गेंद को
लॉन्ग ऑन बाउंड्री का फील्डर फील करता है, थ्रो करता है, इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए भाग कर ये एक रन ले लिया है। इस फ्लाइट डिलीवरी पर बल्लेबाज ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ खेलकर ये एक रन बटोर लिया है, जहां बाएं हाथ के ऋषभ पंत नजर आ रहे हैं, जिन्होंने आपको इस मैच के अंदर बल्लेबाजी में अब तक कुल मिलाकर ना कोई चौका मारा है ना कोई छक्का मारा है। कदमों का इस्तेमाल, गेंद के पिच तक पहुंचे ऋषभ पंत और गेंद हवाई यात्रा पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। दर्शक दीर्घा में आधे दर्जन रन मिले ऋषभ पंत को। कदमों का इस्तेमाल करके ऋषभ पंत ने गेंद की पिच तक पहुंच के सामने की तरफ हवा में खड़ा कर दिया। गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराई ऋषभ पंत के और गेंद सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर जाके गिरी दर्शक दीर्घाओं के अंदर। पूरे 6 रन प्राप्त हो गए हैं बल्लेबाज के लिए। कमाल की हिट और ऋषभ पंत के इस छक्के की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स की टीम पहुंची इस समय 85 रनों के ऊपर। अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल, थोड़ी सी शॉट डाल दी, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की बाईं तरफ से डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ एक और चौका। बिश्नोई की अंतिम गेंद थी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। जैसे ही देखा कि कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, माफ कीजिएगा 5वीं गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया और इस गेंद के ऊपर इन्होंने इनसाइड आउट शॉर्ट गेंद डाल दी थी आपको गेंदबाज ने, और गेंद एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए। दिल्ली 89 रनों के ऊपर आखिरी गेंद लेके चल रहे हैं। रवि बिश्नोई को केएल राहुल बताते हुए कि क्या करना है, शॉर्ट गेंद को कट कर दिया, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ जिस तरफ मौजूद थे आयुष बदोनी। जब तक आयुष बदोनी ने अपनी बाईं तरफ जाके इस गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के भाग कर एक रन पूरा करके ओवर की समाप्ति कर दी और ऋषभ पंत पहुंच चुके हैं फिलहाल 20 रनों के ऊपर। ऋषभ पंत ने आईपीएल करियर में अपने 3000 रन पूरे कर लिए हैं। एक और उपलब्धि आपको इस समय ऋषभ पंत के नाम, आईपीएल करियर में 3000 रन पूरे हो चुके हैं इनके। कमाल के ये खिलाड़ी हैं आपको ऋषभ पंत। और फिलहाल ऋषभ पंत 20 रनों के पर पहुंच चुके हैं इस मुकाबले के अंदर महज 14 गेंदों का सामना करने के बाद। रवि बिश्नोई का जो ये ओवर था वो समाप्त हो गया है। बिश्नोई के इस तीसरे ओवर में 15 रन आए हैं, बहुत महंगे साबित हो गए अपने तीसरे ओवर के अंदर गेंदबाज रवि बिश्नोई। गेंदबाजी में तब्दीली, और आपको बताते चले कि गेंदबाजी में दूसरे छोर से मार्कस स्टोइनिस, जो मैं कह रहा था बहुत देर से कि इनको गेंदबाजी करानी चाहिए, कप्तान ने फाइनली ये बात ऐसा लग रहा है कि उनके तक पहुंच चुकी है। और रवि बिश्नोई जो है यहां पर उनकी जगह के ऊपर अब गेंदबाजी के अंदर कप्तान ने लेकर आने का फैसला कर लिया है तेज गेंदबाज मार्कस स्टोइनिस को। बहुत ही उपयोगशील आपको गेंदबाज हैं, देखते हैं कितनी गेंदबाजी जो है उनसे कराई जाती है। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। पहली गेंद आती हुई ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ डिलीवरी, सामने की तरफ हवा में मारने की कोशिश कर रहे थे, गेंद बल्ले के इनसाइड एज पे लगने के बाद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। जब तक इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री का फील्डर फील करता थ्रो करता एक रन पूरा कर लिया है, और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के फील्डर जब तक फील्ड करके थ्रो कर पाते एक रन के साथ दिल्ली कैपिटल्स 91 रनों के पर पहुंची इस मुकाबले में। 91 रनों के पर 2 विकेटें हो गई हैं। जेक फ्रेजर मैकगॉग 24 रन बना के 22 गेंदों का सामना करने के बाद। मार्कस स्टोइनिस इनको बहुत अच्छे भाली भांति जानते हैं कि किस तरीके से बल्लेबाजी आपको जेक फ्रेजर मैकगॉग जो है वो कर सकते हैं। जहां अगली गेंद का सामना करने